नमस्कार, आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं डॉक्टर शुभम कुलश्रेष्ठ बलराम फाउंडेशन की तरफ से। बलराम फाउंडेशन में हम आपके लिए लेकर एक दोबारा से वापस आज आपके बीच उपस्थित हैं धान की इस विशेष वेबिनार श्रृंखला में, जिसमें आज जो है वो इंटीग्रेटेड पेस्ट एंड डिजीज मैनेजमेंट ऑफ पैडी, यानी कि धान के समन्वित रोग और कीट व्याधि प्रबंधन पे आज हमारे बीच हैं डॉक्टर एस के त्रिपाठी साहब। तो इस परिचर्चा में हम ये समझेंगे कि धान में कीड़े और बीमारियों का प्रबंधन कैसे कर सकते हैं। इस बीच बलराम फाउंडेशन की ये जो पहल है, ये आपको डिजिटल माध्यम से आपके सभी किसानों तक जो है हिंदी भाषा में आपके बीच पहुंचती है, और हमारा ये प्रयास रहता है कि समय समय पर हम आपको ये वेबिनार जो है वो पहुंचाते रहें। तो आज की इस वेबिनार की श्रृंखला का शुभारंभ करते हुए मैं अपने बीच आमंत्रित करता हूँ आदरणीय प्रणय व्यास सर जी को। आप सेनानिवृत्त बीज प्रमाणिका अधिकारी उज्जैन से हाल ही में सेनानिवृत्ति प्राप्त किए हैं। सर, स्वागत है आपका। आप बलराम फाउंडेशन के बारे में अपने श्रोताओं को परिचय दीजिए। आदरणीय प्रणय व्यास सर। धन्यवाद डॉक्टर शुभम। बलराम संदेश की शुरुआत जो है 2015 में की गई थी, और शुरुआत के समय से ही इसका उद्देश्य यही रहा था कि किसानों को प्रतिदिन आने वाली समस्याओं का, खेती में प्रतिदिन आने वाली समस्याओं का समाधान कैसे किया जा सके। उसी उद्देश्य से ये संस्था का गठन किया और उसी उद्देश्य से ये संस्था कार्यरत थी। कोविड के समय जो है, थोड़ा सा इसकी गतिविधियों को चलाने में कुछ कठिनाइयां आ रही थी, क्योंकि बार बार लॉकडाउन, जगह जगह बीमारी। तो बलराम संदेश ने तुरंत जो है फैसला लिया कि हम डिजिटल माध्यम का उपयोग करते हुए और क्यों ना किसानों को जो है वो खेती से संबंधित जानकारी और उनको प्रतिदिन आने वाली समस्याओं का समाधान करें। और इसी उद्देश्य के साथ में ये जो बलराम संदेश है, इसने कार्य करना आगे चालू किया। तो वैसे मैं आपको बताना चाहूंगा कि बलराम संदेश जो है, हम 11 सदस्यों का एक दल है, जिसमें 5 राज्यों के कृषक और वैज्ञानिक गण इसमें सम्मिलित है। और अभी तक इसमें 11 राज्यों के किसान जो है इस समूह से जुड़कर इसमें दी जाने वाली जानकारी और ज्ञान का लाभ उठाते आ रहे हैं। वर्तमान में जो डिजिटल माध्यम का हमने उपयोग किया, तो व्हाट्सएप के माध्यम से हमने कई ग्रुप बनाए और लगभग देश भर के 1,500 किसानों को इस ग्रुप से जोड़ा। इसी तरीके से फेसबुक पे हमने जो है बलराम संदेश का पेज खोला और उसी पर जो है किसान अपने जो भी समस्या है उसको लिख के भेजते हैं, और उसका समाधान हमारी टीम के द्वारा लगातार किया जा रहा है। इसी तरीके से जो है ट्विटर हैंडल भी हम लोग हैंडल करते हैं, और इंस्टाग्राम पर भी जो है बलराम संदेश सक्रिय है। अभी तक हम जो है 43 विभिन्न विषयों पर कृषि से संबंधित वेबिनार कर चुके हैं। ये आज हमारा 44वां वेबिनार है, और धान के ऊपर किसानों की मांग को देखते हुए हमने एक श्रृंखला चलाई है, और उस श्रृंखला का आज ये 4था वेबिनार है। और हमारा पूरा प्रयास यही रहता है कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को हम जो है वो उनकी समस्याएं समय पर दूर दूर कर सकें और खेती में आने वाली उनकी परेशानियां खत्म हो सकें। और उसी उद्देश्य से लगातार ये बलराम संदेश कार्य कर रहा है। मैं आज के वक्ता और विशेष आमंत्रित दोनों का स्वागत करता हूं, और इस परिचर्चा वेबिनार को आगे बढ़ाने के लिए शुभम जी को पुनः आमंत्रित। धन्यवाद। सर, सादर धन्यवाद सर।
परिचय की इस कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम जो हैं आज के मुख्य वक्ता के प्रेजेंटेशन परिचय के पहले सर का परिचय के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। मैं डॉक्टर देवेंद्र प्यासी सर जी को, सर आप सागर मध्य प्रदेश में अलसी के मुख्य परियोजना वैज्ञानिक हैं जो जवाहरलाल नेहरू एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से संबंध रखती है। आदरणीय धन्यवाद शुभम प्यासी जी, धन्यवाद शुभम जी। बलराम संदेश की 44वीं वेबिनार में आप सभी का स्वागत करते हुए अभिभूत महसूस करता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ। टीम बलराम के अथक प्रयासों से आज हम लोग इस मुकाम पे हैं कि हम 44वीं वेबिनार जो है, इस विगत 4 महीनों में 44वीं वेबिनार जो है आयोजित कर पा रहे हैं। और आज के हमारे जो वक्ता हैं वो डॉक्टर एस के त्रिपाठी साहब, डॉक्टर सनत कुमार त्रिपाठी साहब, प्रोफेसर हैं जो है पौध रोग विभाग जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि महाविद्यालय रीवा में। आपका ने 35 साल से ज्यादा का आपका अनुभव है, और बहुत जिसमें कि बहुत सारा समय आपने धान अखिल भारतीय धान अनुसंधान परियोजना में कार्य किया है लंबे समय तक। वर्तमान में आप शैक्षणिक कार्यों के अलावा जो है कॉलेज की अन्य गतिविधियां भी देख रहे हैं और टीचिंग में हैं। इसलिए जो है आपने जो है 10 PhD स्टूडेंट, 45 MSc स्टूडेंट, 75 से ज्यादा शोध पत्र आपके राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय जो ख्यात प्राप्त रिसर्च जर्नल्स हैं उनमें पब्लिश हुए हैं। आपने 5 पुस्तकें भी लिखी हैं जो कि किसानों एवं युवा विद्यार्थियों के लिए बहुत ही जो है लाभवर्धक है, ज्ञानवर्धक है। इसके अलावा जो है राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो है 60 से ज्यादा जो है आपने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर की कॉन्फ्रेंसेस, सिंपेजियम एवं सेमिनार अटेंड किए हैं। राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर में आपको कई अच्छे बड़े पुरस्कारों से भी नवाजा गया है, जिसमें कि आपका विषय का जो इंडियन सोसाइटी ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के जो है कई पुरस्कार आपको प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा समय समय पर प्रदेश सहित देश के अन्य पुरस्कार भी आपको प्राप्त हुए हैं। साथ ही साथ आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं धान के पुरोधा आदरणीय डॉक्टर बीएन सिंह साहब, जो एक्सपर्ट के रूप में आज के प्रेजेंटेशन को रिव्यू करेंगे, तो मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपका स्नेह और मार्गदर्शन बलराम संदेश फाउंडेशन को हमेशा मिलता रहेगा। निश्चित रूप से बलराम संदेश जो है इस दिशा में किसानों के साथ, किसानों के लिए और किसानों के द्वारा की जाने वाली ये गतिविधि है, जिसमें वैज्ञानिक होने के नाते एक सामाजिक सरोकार मानता हूं मैं, और इसीलिए इसकी जो है शुरुआत की है कि किसान और वैज्ञानिक के बीच परिचर्चा कैसे शुरुआत की जाए। हमारे देश के इसमें इसका जो मूल स्रोत है वो यही है कि जो है भारत सरकार के ICAR के द्वारा जो है फसल विशेष पे विभिन्न जो है शोध अनुसंधान केंद्र जो है स्थापित किए गए हैं, जो देश के विभिन्न राज्यों में हैं, उनके द्वारा जो अनुसंधान कार्य किए जाते हैं, उनके द्वारा जो जो है अनुशंसाएं की जाती है। इसके अलावा राज्य के कृषि विश्वविद्यालय, हमारे कृषि विज्ञान 675 से अधिक हमारे कृषि विज्ञान केंद्र जो देश के प्रमुख जिलों में, सभी प्रमुख जिलों से के माध्यम से संचालित हैं। हमारे NGO के माध्यम से की जाने वाली जो गतिविधियां हैं निश्चित रूप से नए नवाचार हैं और जो किसानों के लिए लाभदायक एवं प्रेरणादायी हो सकते हैं। इसके अलावा जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारे प्रगतिशील किसान हैं वो बहुत ही इनोवेटिव प्रयोग अपने खेतों में, अपने स्वयं के जो है
ज्ञान और स्वयं के जो है रेगुलर प्रैक्टिस के दम पर कर रहे हैं, उन किसानों को भी सामने लाना, उन किसानों को भी जो है सामने लाके एक मॉडल फार्मर के रूप में प्रस्तुत करना, जिससे कि किसानों में भी नई ऊर्जा का संचार हो। साथ ही साथ जो हमारे युवा किसान है, जो हमारे नई पीढ़ी के किसान हैं, वो भी उनको देख के जो है अपने आप को प्रशिक्षित हो एवं जो है उनके जो द्वारा किए गए कार्यों को आत्मसात करें। इसी दिशा में जो है बलराम संदेश विगत जो है 6 सालों से निरंतर प्रयास कर रहा है और आज हम लोगों ने सब मैंने साथ मिलके इसको एक मूर्त रूप दिया है। अब तक ये जो है सोशल मीडिया के माध्यम से संचालित होता रहा है। कोशिश ये है, प्रयास ये है कि हम इसको मूर्त रूप दे के एक संस्था का निर्माण करें, जिससे सतत रूप से जो है हम इसको आगे भी संचालित कर सकते हैं। इसके लिए आप सबके सहयोग एवं मार्गदर्शन की हमेशा आवश्यकता होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि सभी वरिष्ठ जनों का सहयोग एवं मार्गदर्शन बलराम संदेश को हमेशा मिलता रहेगा। मैं आमंत्रित करता हूं आज के हमारे जो मुख्य वक्ता हैं डॉक्टर सनत कुमार त्रिपाठी, डॉक्टर एस के त्रिपाठी साहब को, जो प्रोफेसर हैं कृषि महाविद्यालय रीवा में प्लांट पैथोलॉजी डिपार्टमेंट में, और मैं उम्मीद करता हूं कि कीट समन्वित कीट व्याधि नियंत्रण में आपका बहुत लंबा अनुभव है और हमारे किसानों को उससे लाभ होगा। डॉक्टर सनत कुमार त्रिपाठी साहब, आपका हार्दिक स्वागत है, आइए सर। आइए श्रीमान जी, आपका हार्दिक स्वागत है। डॉक्टर त्रिपाठी सर, काइंडली अनम्यूट योर सेल्फ सर। डॉक्टर त्रिपाठी साहब, आप डॉक्टर त्रिपाठी साहब, हेलो जी सर, जी सर, आवाज आ रही है? जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र पेयसी जी। सर माइक आपके सामने नहीं है सर, आपका चेहरा हम लोग नहीं देख पा रहे। हाँ, वो वीडियो मैंने ऑफ किया है। ऑफ नहीं है ना? हाँ, अच्छा ठीक जी सर, जी सर, स्टार्ट शुरू करें। यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर देवेंद्र पेयसी जी, इस बलराम फाउंडेशन के तत्वाधान में आयोजित बलराम संदेश वेबिनार के आज के मुख्य अतिथि परम श्रद्धेय माननीय डॉक्टर बी एन सिंह साहब, डॉक्टर शुभम जी, डॉक्टर प्रणय व्यास जी, कृषि महाविद्यालय रीवा के अधिष्ठाता डॉक्टर एस के पांडे साहब, हमारे कृषि महाविद्यालय के बहुत सारे हमारे प्राध्यापक गण, वैज्ञानिक गण, छात्र छात्राएं और देश के कोने कोने से इस कार्यक्रम में शामिल हुए हमारे अन्नदाता कृषक भाइयों, देवियों और सज्जनों, सबसे पहले तो मैं हृदय से साधुवाद दूंगा बलराम फाउंडेशन के हमारे जो आयोजक हैं, जिन्होंने इतनी अच्छी शुरुआत की। ये कैसी पहल है जिसमें कृषि वैज्ञानिकों का कृषकों के साथ सीधा संपर्क, सीधा उनके साथ वार्तालाप हो सकता है और सामयिक जानकारी कृषकों के कल्याण के लिए, उन्नत कृषि तकनीक के लिए दी जाती है। इसके लिए मैं सचमुच में हृदय से बधाई दूंगा और ये प्रक्रिया अनवरत जारी रहे, जिससे कि हमारा जो भारत कृषि प्रधान देश है, कृषकों को एक अच्छी उन्नत कृषि तकनीक, ताकि उनकी आर्थिक हालत सुधर सके, लागत कम हो सके, समय समय पर तकनीकी ज्ञान का समावेश अपने वो खेती में कर सकें और लाभ उठा सकें, ये एक बहुत ही अच्छा एक कार्यक्रम आपने शुरू किया, इसके लिए मैं हृदय से साधुवाद देता हूं। डॉक्टर बी एन सिंह साहब से मैं पूर्व परिचित हूं, मैं अखिल भारतीय धान अनुसंधान परियोजना में विगत 25 वर्ष से काम किया है और डॉक्टर बी एन सिंह साहब जो उस समय रांची में डायरेक्टर रिसर्च थे, उस समय से मेरी मुलाकात थी, हमेशा राइस वर्कशॉप में उनसे रूबरू होने का अवसर मिलता था और उनके
उनके जो अनुभव हुआ करते थे उसको हम लोग आपस में शेयर करते थे और अपने को अपडेट करते थे। आज मुझे जो विषय दिया गया है वो एकीकृत समन्वित ध्यान के प्रमुख रोग, व्याधियां और संरक्षण विषय पर है। तो आइए हम बात करते हैं ध्यान की बीमारियों और कीड़ों के बारे में। नेक्स्ट प्लीज स्लाइड बढ़ाएं। मित्रों, आज पूरा विश्व के सामने अगर कोई चैलेंजेस है, कोई आने वाले दिनों के लिए हमारे जो समस्या आ सकती है वो है क्लाइमेट चेंज की। क्लाइमेट चेंज की वजह से हाई टेम्परेचर का होना, रेनफॉल का कम होना या अधिक होना, ये आने वाले दिनों की हमारी समस्या निश्चित रूप से रहेगी। और समूचा विश्व कम पानी, कम जमीन, कम लेबर, कम रसायन के कारण हमारा कहीं ना कहीं भोजन की श्रृंखला है, जो उत्पादन है वो प्रभावित होगा। उसका कारण ये है कि जिस तरह से विश्व में या देश में जनसंख्या बढ़ रही है, हम आज 1.25 बिलियन क्रॉस कर चुके हैं। बढ़ती हुई आबादी को दृष्टिगत रखते हुए आज जितना अर्बनाइजेशन हो रहा है, लंबी बड़ी बड़ी सड़कें, उद्योग धंधे, हमारी जो कल्टीवेटेड लैंड है, खेती करने की जो योग्य जो भूमि है वो दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। और इस सीमित संसाधन में, सीमित भूमि में हमें इस 1.5 अरब जनसंख्या के लिए उत्पादन करना, फसलों का उत्पादन करना, ये हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टास्क होगा। ये तभी संभव है जबकि हम कृषि उन्नत तकनीक को अनवरत अच्छी दिशा देते रहें, बढ़ाते रहें और कृषि के जितने भी आयाम हैं कम लागत तकनीक को अपना करके हम अच्छी खेती कर सकें, ताकि हमारे कृषकों का जीवन उपार्जन बहुत अच्छे से हो सके, लाभकारी खेती हो सके। नेक्स्ट प्लीज। आपको मालूम है कि इस पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में अगर कोई प्रोड्यूसर है जो किसी चीज को बनाता है, उसकी संख्या मात्र 4% है। और उसे डिकम्पोज करने वाले, चाहे सूक्ष्म जीव हो, चाहे जैसे फंजाई है, बैक्टीरिया है, वायरसेज हैं, इनकी संख्या लगभग 15% है। और जो कंज्यूमर हैं, जो उपभोक्ता हैं, उपभोग करने वाले हैं, उनकी संख्या 80% है। तो 80% के प्रयोग करने वाले कंज्यूमर की पूर्ति करने के लिए 4% जो प्रोड्यूसर हैं, इनको बहुत अच्छी तरह से आगे काम करना होगा, ताकि हम अपने देश की जो आबादी है उसकी बढ़ती हुई जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए हम अपने उत्पादन और उत्पादकता को बढ़ा सके। नेक्स्ट प्लीज। मित्रों, धान एक बहुत ही प्रमुख फसल है और ये खरीफ और रवि दोनों ऋतुओं में, खास तौर से आपका जो समुद्री किनारे हैं, चाहे केरला हो, वेस्ट बंगाल हो या आपका उड़ीसा हो, मध्य भारत और उत्तर को छोड़कर के बाकी जगह दो ऋतुओं में ही की जाती है। और ये लगभग भारत की 2/3 आबादी के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फसल है, जिसका कंट्रीब्यूशन लगभग 20-25% है। हमारे देश में इसकी खेती लगभग 43.9 मिलियन हेक्टेयर, 44 मिलियन हेक्टेयर में होती है और 22% इसकी क्रॉप एरिया है। और इसका उत्पादन 2035 तक में हमें जस्ट दूना करना पड़ेगा। आज हमारी उत्पादकता, हमारे जो देश उत्पादन है, लगभग 110 मिलियन टन है, जिसे बढ़ा करके हमें 200 तक ले जाना होगा, तभी आगे आने दिनों में हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये मैंने एक छोटा सा ग्राफ दिया है कि किस तरह से हमारी जनसंख्या के अनुरूप जो खाद्यान्न की आवश्यकता है वो होगी और हमारी धान की उत्पादकता कहां तक पहुंचे। आने वाले दिनों में आपको बता दूं कि 2025 तक हमको कम से कम 1400 मिलियन जो हमारी जो प्रोडक्टिविटी है, जो टोटल प्रोडक्शन है, वो फूड ग्रेन का करना होगा। और राइस की जो उत्पादकता, उत्पादन है, वो लगभग 250 से 300 मिलियन मिलियन टन तक हमको ले जाना होगा। नेक्स्ट प्लीज। पूरे विश्व के अगर परिदृश्य को देखें, ये एक आंकड़ा हमारे सामने पुराना था लेकिन इसके बाद भी इसमें परिवर्तन बहुत ज्यादा नहीं आया है। भारत में इसकी खेती लगभग 44 मिलियन हेक्टेयर में हो रही है और वहीं पर चाइना मात्र 30 मिलियन हेक्टेयर, 29.30 मिलियन हेक्टेयर में होती है।
इंडोनेशिया में 11.8 मिलियन हेक्टेयर हो रही है। अगर हम सिंचाई का रकबा देखें तो भारत में लगभग 46% के आसपास जाता है, जबकि चाइना में 92% सिंचाई का रकबा एरिया का हो गया है, इंडोनेशिया में लगभग 53.8% है। अगर हम वहीं पर हाइब्रिड राइस या हाई यील्डिंग वैरायटी के अडॉप्शन की बात करें तो चाइना में लगभग 100% है, इंडोनेशिया में 77% है और अपने देश में अभी हम 70-73% के बीच में पहुंचे हैं। और यही कारण है कि चाइना की जो उत्पादकता है धान की वो 6 टन है, जबकि हम इंडोनेशिया की बात करें वो दूसरी पोजीशन में 4 टन के आसपास है और भारत में लगभग हम 3 टन के आसपास पहुंच चुके हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं कि ये उत्पादन के जो हमारे मुख्य अवयव हैं उनके जो मेजर कॉन्स्टेंट्स हैं, किसके कारण उत्पादन हमारा घटता है उसके बारे में जान। धान की खेती भारतवर्ष में सूखा पद्धति, लेही पद्धति, रोपा, तीनों पद्धति में की जाती है। ऐसे उचहन खेत जहां बारिश कम होती है वहां पर हम सूखा पद्धति से करते हैं सामान्यतया, और जहां पर सिंचाई की सुविधा है वहां पर हम लेही या रोपा से करते हैं। आज तो श्री विधि से भी हम खेती करने लगे हैं, मात्र 5 किलो से 6 किलो बीज प्रति एकड़ लगता है और 12 से 15 दिन के पौधों को हम रोप करके और 80 से 90 क्विंटल प्रति हेक्टेयर पैदावार लेने में हम सक्षम हैं। लेकिन जब भी कभी बीमारियों का या कीड़ों का संक्रमण हो जाता है तो हमारे बोने की पद्धति में खर्च, बीज का खर्च, उर्वरक का खर्च और जितनी भी हमारी लागत है सब वो व्यर्थ हो जाती है, क्योंकि हम बीमारी और कीड़े से अपनी फसलों को नहीं बचा पाते। इसलिए आइए हम जानें कि वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जिनका की प्रकोप हमारे धान के खेत में होता है। ये पहली स्लाइड जो आप देख रहे हैं ये इसे हम कहते हैं पर्ण झुलसा रोग, ये फफूंद से होने वाली बीमारी है। लगभग 30% तक प्रतिवर्ष उपज में नुकसान इस बीमारी के द्वारा हो जाता है। ये लीव ब्लास्ट 3 प्रकार का आता है, एक उसके तने पे आता है जिसे हम कहते हैं नोडल ब्लास्ट, दूसरा पत्तियों में आता है उसे कहते हैं लीव ब्लास्ट पर्ण झुलसा, और तीसरा नेक ब्लास्ट आता है जो बालियों के निकलने के समय इसका प्रकोप होता है। इसी तरह से दूसरी बीमारी जिसमें छोटे छोटे ये दाग दिख रहे हैं, इस बीमारी को हम कहते हैं भूरा दाग रोग, ब्राउन स्पॉट, ये भी फफूंद की बीमारी है और उचहन खेतों में ज्यादा आती है। तीसरी बीमारी जिसे हम कहते हैं पर्ण शीथ ब्लाइट, ये भी फफूंद की बीमारी है जिसे राजकीय कहते हैं, जली हुई पत्तियां दिखती हैं और उसमें बड़े बड़े लंबे लंबे दाग बनते हैं जिसके कारण पूरे की पूरी फसल झुलस जाती है, जलने लगती है। और विगत 3-4 वर्षों 5 वर्षों में आपने देखा होगा कि जब से हाइब्रिड राइस की एरिया बढ़ी है, आज चाहे जितने भी निजी कंपनियों के द्वारा या गवर्नमेंट सेक्टर के द्वारा उत्पादित हाइब्रिड्स हैं, उनमें बालियों में अगर अच्छी बारिश हो गई है तो बालियों में एक नारंगी रंग के फूल जैसी रचना खिलती है जिसे हम कहते हैं फाल्सिस्मट, और पूरी बालियों को बदरंग कर देता है जिसके कारण हमारा बहुत नुकसान किसानों को उठाना पड़ता है। तो आइए हम जानें कि जो हमारे देश में बीमारी 1945 में एक थी ब्राउन स्पॉट, 65 में 2 हुई ब्लास्ट, 75 के आसपास बैक्टीरिया ब्लाइट ब्लास्ट ब्राउन स्पॉट आया, और आज 2020 में खड़े हैं लगभग 10 बीमारियां ब्लास्ट शीथ ब्लाइट बैक्टीरिया ब्लाइट फाल्स स्पॉट शीथराग ग्रीन डिस्कलरेशन राइस टिंगरू वायरस ईस्टर्न राइट जैसी न जाने कितनी बीमारियां आ गई हैं जिनके कारण की हमारे कृषकों को नुकसान उठाना पड़ता है। ये प्रमुख बीमारियां हैं जिनके बारे में मैंने आपसे बात करी। आइए एक एक बीमारियों के हम लक्षण के बारे में जानें। नेक्स्ट, ये देखिए पत्तियों में आंख जैसे या नाव के आकार के बड़े बड़े धब्बे बनते हैं। इस बीमारी का प्रकोप नर्सरी से लेकर के खेत में किसी भी अवस्था में हो सकता है, और यदि बीमारी की अवस्था में यदि पौधों में बीमारी 5% या 3% के पास भी आ गई और ऐसी स्थिति में यदि हमने उस समय यूरिया का प्रयोग करना शुरू किया तो इस बीमारी का जो प्रकोप है वो बढ़ जाता है और भयावह स्थिति बन जाती है। इसलिए मित्रों, जब भी कभी इस तरह की बीमारी देखने को मिले वैज्ञानिकों से सलाह लें, समझें, जाने, यूरिया उर्वरक का प्रयोग उस समय करना बंद कर दें और आने वाले जो आपके पौध संरक्षण के उपाय हैं जो हम आपको आगे बताएंगे उसके बारे में जाने और समय पर उनका प्रयोग करें। ये देखिए इसमें लीफ ब्लास्ट नीचे आपको दिख रहा है जिसमें कि नोडल ब्लास्ट, तने में काले रंग के दाग बन जाते हैं
और बालियों के शीर्ष भाग में जो दाग बनते हैं, लक्षण बनते हैं जिसके कारण बालियां टूटने लगती हैं, गलने लगती हैं, उन्हें हम नेक ब्लास्ट कहते हैं और ये बहुत ही भयावह बीमारी कहलाती है। नेक्स्ट प्लीज। ये इनके जो लक्षण है किस तरह से हेड इन्फेक्शन करते हैं, दाग में बदरंग हो जाते हैं, पोचे हो जाते हैं और पूरा खेत जला हुआ प्रतीत होने लगता है। नेक्स्ट। दूसरी बीमारी है जिसे कहते हैं बैक्टीरियल लीव ब्लाइट। हाँ, पहले तो मैं बता दूं कि जब यदि ब्लास्ट, जिसे बर्न झुलसा रोग कहते हैं, यदि इसकी समस्या खेत में आ गई तो उस समय आपको चाहिए कि सबसे प्रभावशाली एक दवा आती है, पहले तो हम कोशिश करें कि रोपा लगाने की पूर्व या बीज को नर्सरी में डालने की पूर्व बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार के लिए एक ट्राईसाइक्लोजोल दवा आती है या दूसरी आती है जिसे हम कार्बेंडाजिम कहते हैं। तो यदि 3 से 4 ग्राम इस फफूंदनाशक दवा को प्रति किलो बीज में मिलाकर के हमने बीजोपचार करके बोया है तो बीज में पाए जाने वाले फफूंद मर जाते हैं और उनका प्रभाव आगे नहीं होता। लेकिन अगर खड़ी फसल में इनके लक्षण दिखने लगे तो आपको चाहिए कि रोग की शुरुआत में ही प्रोपीकोनेजॉल, प्रोपीकोनेजॉल या एजोक्सिस्ट्रोबिन या डीफेकोनेजॉल जैसी दवा आती है, तो 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी के हिसाब से इसका प्रयोग करें तो इस बीमारी को आसानी से रोका जा सकता है। ये दूसरी स्लाइड जो आप देख रहे हैं, इसे हम कहते हैं बैक्टीरियल लीव ब्लाइट, पर्ण अंगमारी कहते हैं, ये बैक्टीरिया के द्वारा होती है। पत्तियों के दोनों किनारे जले हुए दिखने लगते हैं और पूरे खेत में जहां कहीं भी इसके लक्षण दिखते हैं खेत झुलसा हुआ जला हुआ दिखने लगता है। और इससे बचने के लिए, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज, ये इसी तरह से एक दूसरी बीमारी आती है जिसे कहते हैं बैक्टीरियल लीफ स्ट्रीक। उसमें पत्तियों के किनारे पीले पीले पड़ के पतली पतली धारियां दिखने लगती हैं और इसके कारण जबरदस्त नुकसान होता है। नेक्स्ट प्लीज, ये नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। ये देखिए, जब भी कभी ऐसी स्थिति बने नेक्स्ट कि ये बैक्टीरियल ब्लाइट आपके खेत में आ जाए तो सबसे पहले प्रयास होना चाहिए कि खेत से पानी निकाल दें। स्लाइड बैक करें सर, खेत से पानी एक बार निकाल दें। दूसरा, ऐसी स्थिति में जब बीमारी बैक्टीरियल बीमारी या फफूंदजनक बीमारी का प्रयोग प्रकोप हो, उस समय नाइट्रोजन फर्टिलाइजर उर्वरक यूरिया का प्रयोग बिल्कुल रोक दें। तीसरी चीज, बैक्टीरियल डिसीज के लिए बचने के लिए एक दवा आती है जिसे कहते हैं कॉपर ऑक्सीक्लोराइड COC, ये 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी लगता है। इसमें 100 ppm के हिसाब से स्ट्रेप्टोसाइक्लिन मिला दें। 100 ppm का मतलब हुआ कि 10 लीटर पानी जो सोल्यूशन है उसमें 1 ग्राम दवा का प्रयोग करें। और तीसरी चीज, एक वैसी पद्धति है कि यदि आपने खेत से पानी निकाल दिया, उर्वरक का प्रयोग उस समय यूरिया का प्रयोग बंद कर दिया और ये फफूंदनाशक दवा का प्रयोग कर दिया बैक्टीरियल, जिसे एंटीबायोटिक कहते हैं स्ट्रेप्टोसाइक्लिन, तो इस बीमारी को आसानी से रुका सकता है। लेकिन एक बात और, कृषकों की जो अनुभव है उनका कहना है कि हम लोगों ने भी देखा है कि यदि फ्रेश काउडंग, ताजा गोबर का घोल या ताजा गाय का मूत्र प्रारंभिक अवस्था में ही जहां से इस रोग की शुरुआत हुई है यदि वहां पर उसका प्रयोग कर दिया जाए तो ये बैक्टीरिया का जो ये जो बीजाणु होते हैं, बैक्टीरिया का जो ऊज होता है वो आगे नहीं बढ़ पाता और बीमारी को रोका जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। शीत ब्लाइट, ये जैसे मैंने आपसे बताया बैक्टीरियल ये फफूंदजनक बीमारी है, बड़े बड़े उसमें चकोतरे दाग बनते हैं और बहुत नुकसान पहुंचाती है, इसके लिए इसकी पहचान होना जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। इससे ये आपको स्पष्ट इसके लक्षण दिखते हैं, जली हुई पत्तियां दिखती हैं, लाल भूरे रंग के दाग बनते हैं, पत्तियों में लीजन्स बनते हैं और वो बहुत नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट प्लीज। इन खतरनाक बीमारियां, ये फफूंदजनक बीमारी होती है और इस फफूंद का जो कारक है ये जमीन से होता है, जमीन में जो राइजेक्टोनिया जैसे फफूंद होते हैं और एक पौधे के संपर्क में जब दूसरा पौधा आता है तो उसमें तुरंत इस तरह की स्थिति दिखने लगती है। बड़े बड़े काले काले रंग के बैंड्स दिखने लगते हैं, धब्बे दिखने लगते हैं, बदरंग हो जाती है, जली हुई दिखने लगती है। नेक्स्ट प्लीज। अब आइए, ऐसी भयावह बीमारी यदि खेत में आ जाए तो उससे हम बचने के लिए क्या तरीके हैं। पहला, मैंने जैसे आपसे बताया कि बीजोपचार आप ट्राईसाइक्लोजॉल से करें। ट्राईसाइक्लोजॉल एक बहुत ही अच्छी दवा है,
कई नामों से आती है, दूसरी दवा कार्बेंडाजिम है, इनका प्रयोग कर सकते हैं। नेत्रदम उर्वरक का अधिक प्रयोग न करें, ऐसी किस्मों को लगाएं जिसमें जो रोगरोधी हो, जैसे अजय है, TN1 है, बिरसा धान अभी बीएन सिंह साहब का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है, चाहे धनतेश्वरी हो चाहे बिरसा धान की किस्में हो, MR219 ये मलेशिया की बहुत अच्छी किस्म है, WGL 32-100 स्वर्णा, ये किस्में रोगरोधी होती हैं, इनमें बीमारी का प्रकोप नहीं होता। यदि कभी बीमारी आ जाए ऐसी स्थिति में एक दवा का आप लोग लिख लीजिए जिसका नाम है शीथमार या राइजोलेक्स या प्रोपिकोनेजोल, ये कार्बेंडाजिम या आपका राइजोलेक्स या प्रोपिकोनेजोल, ये दवाइयां इनका 1.5 ml दवा प्रति लीटर पानी की दर से इनका आप छिड़काव करेंगे तो ये बहुत ही अच्छे परिणाम सामने आते हैं। एक बात आपको अवश्य बता दें कि जैविक उपचार भी बहुत ही प्रभावशाली है। पौधों को नर्सरी से निकालने के बाद रोपा लगाने के पूर्व यदि ट्राइकोडर्मा कल्चर, ट्राइकोडर्मा विरी या बेसिलस कल्चर आपको अच्छे विश्वविद्यालय के द्वारा या कहीं से उपलब्ध हो जाए तो 5 से 10 ml दवा नहीं है, ये फफूंद है या बैक्टीरिया का कल्चर है, ये 5 ml प्रति लीटर पानी की गदर से घोल बना लें और पौधों की जड़ों को करीब 15 से 20 मिनट तक उनमें डुबो लें और इसके बाद रोपा लगाएं तो आप देखेंगे कि इस बीमारी को आसानी से शुरू से ही आने की संभावना नहीं रहती है, पौधे स्वस्थ रहते हैं। लेकिन यदि खड़ी फसल में ऐसी स्थिति आ जाए तो जहां से रोग की शुरुआत होती है वहीं पर यह ट्राइकोडर्मा कल्चर, 1 kg ट्राइकोडर्मा कल्चर को एक लगभग 15 से 20 किलो गोबर की खाद या केचुआ की खाद में मिला करके और रिंग बना करके उनको खेत में दें जहां जहां इसकी शुरुआत हुई है तो ये बीमारी नहीं फैल पाएगी और आपके पौधे स्वस्थ रहेंगे, नुकसान नहीं होगा। नेक्स्ट प्लीज। तीसरी चौथी बीमारी जिसे हम स्टेम रॉट कहते हैं, जैसा नाम वैसा गुण, तने के निचले हिस्से में गलन हो जाता है उसे हम शीत रॉट कहते हैं, काले तिकोने आकार के बड़े बड़े धब्बे बनने लगते हैं और ये पूरी जो पत्तियां होती हैं उनको झुलसा देता है, काला भूरा बना करके उनको स्ट्रिप बना देता है, लाइन बना करके झुलसाता है, इसे हम स्टेम रॉट कहते हैं। नेक्स्ट प्लीज। इनका मैनेजमेंट भी, इनको रोकने का तरीका भी वही है जो हमने अभी आपको फफूंद वाली बीमारियों के बारे में बताया। नेक्स्ट प्लीज। कि आप प्रोपिकोनेजोल या कार्बेंडाजिम जैसी दवाओं का प्रयोग करें। ये एक बीमारी आपने देखा होगा, ये पंजाब हरियाणा या छत्तीसगढ़ या ऐसी जगह जहां पर कि लो लाइन एरिया होती है वहां पर फफूंद से होती है, जिसे कहते हैं हम बकनी, बकनी या फ्राइज बोलते हैं, फ्यूजेरियम के द्वारा होती है। रोपा लगाने के बाद वो 10-15 दिन के अंदर ही पत्तियां या पौधे जड़ के पास से सूखने लगते हैं, ये भूमि में पाए जाने वाला एक फफूंद होता है जिसे फ्यूजेरियम उसके कारण होता है। खूब कमजोर दुबले पौधे पीले पड़ करके सूखने लगते हैं और इस बकनी बीमारी का अगर कहीं प्रयोग हो गया तो रोपा लगाने के बाद पूरे के पूरे पौधे मर जाते हैं, उनको बचाना कठिन होता है। तरीका है ये कि उस समय खेत का पूरा पानी निकाल दें, एक बार उस पानी निकालने के बाद उसमें ताजा गोबर का घोल या काऊ यूरिन अगर उसमें डालें, तीसरी चीज इसमें प्रोपिकोनेजोल या मैंकोजेब या कार्बेंडाजिम इनका प्रारंभिक अवस्था में छिड़काव करें, जब रोग में सुधार हो जाए या बीमारी के लक्षण न दिखे उस समय फिर आप दोबारा उसमें पानी दें और यूरिया का प्रयोग करें तो मैं समझता हूं कि इस बीमारी को रोकना आसान है। नेक्स्ट प्लीज। ये भूरा दाग रोग आपने देखा है कि यहां पर पत्तियों में, इसे बीमारी को कहते हैं गरीब किसानों की बीमारी, ये भूरा दाग रोग कहलाता फफूंदगत बीमारी होती जिसे मिंथोस्पोरियम कहते हैं। आपने देखा होगा कि पत्तियों में छोटे छोटे बिंदी, जैसे महिलाएं टिकली लगाती हैं उस तरह छोटे छोटे दाग पूरे पत्तियों में बिखर जाते हैं और ये ऐसे खेतों में इसका प्रकोप होता है जो खेत हमारे उचहन होते हैं, जहां संतुलित उर्वरक का प्रयोग नहीं होता, जहां एक बराबर पानी नहीं लगता, जहां पर देसी किस्में ज्यादा लगाई जाती हैं, ऐसे खेतों में रोपा लगाने के बाद या झुरिया में बोने के बाद या लेही लगाने के 10 दिन के अंदर ही इसमें कत्थे कत्थे खूब दाग बन जाते हैं। इसकी पहचान यह है कि पत्ती के चारों, दाग के चारों तरफ पीले रंग की एक कैविटी बनती है, गुहा बनती है और वो इसकी प्रमुख पहचान होती है। पत्तियां बदरंग हो जाने लगती हैं और इससे बहुत नुकसान होता है। इससे बचने के लिए कृषक भाइयों को चाहिए कि अपने खेत में जिंक सल्फेट 3 वर्ष में एक बार 20 किलो
प्रति हेक्टेयर की दर से अवश्य डालें, उससे जिंक की भी पूर्ति होगी और संतुलित उर्वरक का प्रयोग करें, खेत का संतरीकरण करें ताकि खेत में बराबर पानी लगे और जो रोग रोधी जातियां हैं उनका भी प्रयोग करें तो इस बीमारी को रोकना आसान है। नेक्स्ट प्लीज। इससे बचने के लिए बीजोपचार जैसे ट्राइसाइक्लोजोल है इनका प्रयोग करें, पानी खेत में एक बराबर पानी देने की व्यवस्था करें, रोग रोधी जातियों को लगाएं और ट्राइसाइक्लोजोल मैंकोजेब एक दवा थी जिसे कहते हैं कंटॉफ, 1 मिलीलीटर प्रति लीटर की दर से अगर इनका हम प्रयोग करें, मैंकोजेब कंटॉफ ट्राइसाइक्लोजोल डीफेकोनेजोल प्रोपिकोनेजोल ये दवाइयां इनके लिए बहुत ही कारगर हैं, इनका आप प्रयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। लीफ स्केल एक सामान्य बीमारी है, ये बहुत कम आती है पर हमने कृषक भाइयों को इसलिए दिखाने की कोशिश की ताकि वो जाने, पत्तियों के शीर्ष भाग से लेकर के काफी सूखते हुए नीचे चलाता है और उसमें जॉइंट लीजन्स बन जाते हैं जिसके कारण अल्टरनेट लाइट डार्क ब्राउन धब्बे बनते हैं और वो आसानी से पहचाना जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। इनके लिए तरीका यह है इस बीमारी को बचने के लिए कि हमको पोटाश का समावेश अपने खेती में अवश्य करें, सामान्यतः कृषक भाई नत्रजन स्फुर डालते हैं, पोटाश बहुत कम डालते हैं, पोटाश का प्रयोग अवश्य करें और 1.1% कार्बेंडाजीम मतलब 1 ग्राम कार्बेंडाजीम प्रति लीटर पानी की दर से घोल बना करके 200 लीटर पानी प्रति एकड़ की दर से अगर आप छिड़काव करेंगे तो ऐसी फफूंदगत बीमारी को रोकना आसान है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। नैरो ब्राउन लीफ स्पॉट भी आती है, ये शीत रात है आपने देखा होगा कभी कभी बालियां निकलती हैं और बालियां आपस में छिपती हुई सी दिखती हैं और पोछे दाने निकलते हैं, पूरे दाने खराब हो जाते हैं और उसमें काला पड़ जाता है, तो ये बहुत ही खतरनाक बीमारी होती है शीत रात। और इसका आपने देखा होगा कि तमिलनाडु आंध्र प्रदेश और आपका जो छत्तीसगढ़ है और इवन आपका जो पंजाब हरियाणा है वहां पर इस बीमारी की समस्या अधिक आती है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, ये लक्षण मैंने बताने की कोशिश की, ये सबसे महत्वपूर्ण आज की दशा में आज के दिनों में इस बीमारी को जानना जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। कि ये जो फॉल्स स्मट है जिस समय बालियां निकलती हैं, बालियों पर नारंगी रंग के फूल जैसी रचनाएं खिलना शुरू होती हैं जैसा आप इस स्लाइड में देख रहे हैं, एक बाली में 4 या 5 दिखेंगी और देखते देखते पूरा खेत में आपको वो नारंगी जैसे फूल रचना दिखेंगी, 1 हफ्ते बाद वो बालियां हमारी पूरी काली पड़ जाती हैं, बदरंग हो जाता है और ये बीमारी हवा से फैलने वाली बीमारी है, ये बीज से नहीं फैलती, इसको बीमारी को लक्ष्मी बीमारी भी कहते हैं। जिस वर्ष फसल बहुत अच्छी होती है, रेंज काफी दिनों तक चलती है, उस समय इस बीमारी का अटैक होता है और ये लगभग बालियों के निकलने के बाद ही इसके लक्षण समझ में आते हैं। तो इसलिए इस हाइब्रिड धान जो संकर धान है और देर से जो पकने वाली धान है उनमें इस बीमारी का प्रकोप सर्वाधिक होता है, इसलिए जब भी कभी हम संकर धान की खेती करें तो इसको हम नियमित रूप से देखते रहें, अपने खेत को निगरानी करें और यदि इसके लक्षण दिखें तो शुरुआत में ही इसके रोगग्रस्त पौधों की बालियों को तोड़कर गड्ढे में गाड़ दें या जला दें और आपको जो हम आगे बता रहे हैं दवा उसका अवश्य प्रयोग करें। नेक्स्ट प्लीज। ये लक्षण देखिए, एक एक बाली में, ये मेरे रीवा की ही फोटो है जहां पर की शंकर धान में आप देख रहे हैं एक एक बाली में 10-10, 15-15 ये फॉल्स स्मट के स्पोर बॉल्स हैं और पूरी की पूरी बालियों को बदरंग करके नुकसान पहुंचाता है। नेक्स्ट प्लीज। ये सबसे अच्छी दवा मैं आपको बता रहा हूं कि एक क्लोरोथैलोनिल दवा आती है, क्लोरोथैलोनिल, ये लगभग 1.5 से 2 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर। दूसरी दवा आती है जिसका नाम है प्रोपिकोनेजोल, 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर। तीसरी दवा आती है जिसे हम कहते हैं नेटिवो के नाम पर आती है। तो यदि इनमें तीनों में से कोई भी दवा जो कि प्रोपिकोनेजोल, एजोक्सिस्ट्रोबिन, डीफेकोनेजोल, अंग्रेजी में इनके नाम है क्लोरोथैलोनिन, इन कोक्साइड, इनका प्रयोग बालियों के निकलने के लगभग 1 हफ्ते पूर्व, यदि अच्छी हमारी फसल है, वर्षा देर तक चल रही है तो इसके लक्षण का आने का इंतजार ना करें, इन जो दवाइयां बता रहे हैं इनका प्रयोग पहले ही कर लें
तो आपके खेत में ये जो फाल्स स्मट है, झूठा कंडो रोग है, इसका प्रकोप नहीं होगा। लेकिन यदि खेत में एक बार कंडो रोग लग गया तो उस समय फिर दवा डालने से कोई भी फायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मित्रों, कभी भी जब भी कभी इस बीमारी का प्रकोप हो तो आप ये उस बीज को कभी भी भंडार कक्ष में अपने में रखें और रोगग्रस्त बालियों के दानों को अलग कर दें ताकि भविष्य में भी इस बीमारी को रोका जा सके। नेक्स्ट, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसे जो सामान्यतया तो नहीं आती लेकिन जो चूसने वाले कीड़े होते हैं, जैसे आपका WBPH, BPH, भूरा माहू, हरा माहू, इनका जब चूसने वाले कीड़ों का प्रकोप होता है तो उस समय ये विषाणुगत बीमारी फैलती है। और एक बार विषाणु बीमारी का संक्रमण अगर हो गया, रोगग्रस्त भाग से चूस करके वो स्वस्थ पौधे में गया तो पूरा का पूरा खेत बदरंग हो जाता है। ब्रांजी येलो पीले रंग के होकर के छोटे छोटे पौधे हो जाते हैं और ये बहुत जबरदस्त नुकसान पहुंचाता है। आगे आए, नेक्स्ट प्लीज। देखिए किस तरह से पौधे छोटे हो जाते हैं, गुच्छे में निकलते हैं, पास पास उनकी शाखाएं निकलती हैं और उनमें बालियां भी निकलती हैं। इस बीमारी को हम ग्रासी स्टंट वायरस कहते हैं। तो ये सब विषाणुगत बीमारी होती है और विषाणु के बारे में तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, राइस ड्रैग वायरस। जैसे इस समय आपने देखा होगा ये कोरोना महामारी पूरे विश्व में, ये एक वायरस सबसे छोटा अगर कोई सूक्ष्म जीव है तो वो है विषाणु। और इस विषाणु ये स्ट्रिक्टली ऑब्लिगेट पैरासाइट होता है, लेकिन पूरे विश्व को किस तरह से इसने 2 साल से तबाही मचाई। तो वायरस क्या है इसके बारे में आज हर व्यक्ति बच्चा बच्चा समझने लगा है। तो यदि इस जो मनुष्य में ये बीमारी कोरोना की फैली है, ठीक उसी प्रकार से यदि पौधों में कहीं विषाणुगत इनके ट्रांसफर करने के लिए, ट्रांसमिशन के लिए, एक दूसरे पर आने के लिए सूक्ष्म जो कीट हैं, एफिड, जेसिड्स, थ्रिप्स, हापर्स, माइट्स, व्हाइट फ्लाई, यदि इन कीड़ों का प्रकोप हुआ तो ये वायरस बीमारी के फैलने की ये संवाहक होते हैं, वाहक होते हैं, फैलाने मदद करते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि पहले रोगग्रस्त कोई पौधा दिखे कहीं भी इस तरह के बदरंग और चीजें, उनको उखाड़ कर जला दें, गड्ढे में गाड़ दें। और जो सर्वांगनाशी कीटनाशी है, चाहे मोनोकोटोफास है, चाहे फिप्रोनिल है, ऐसी दवाओं का प्रयोग तुरंत करें ताकि कीड़े मर जाएं। तो कीड़ों के मरने से आपके विषाणु का जो ट्रांसमिशन है, जिस दूसरी जगह पहुंचना है, वो रुक जाएगा और पौधे स्वस्थ हो जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। इसके लिए प्रभावशाली दवा मैंने बताई आपको कि सबसे पहले उर्वरक का प्रयोग कम करें, मोनोक्रोटोफास या फिप्रोनिल इसका प्रयोग करें। फिप्रोनिल दवा बहुत ही कारगर है, 1 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर, मोनोक्रोटोफास दवा 2.5 ml दवा प्रति लीटर। कभी भी कोई भी कीड़ा चूसने वाला कीड़ा अगर आपके खेत में है, उस समय यूरिया का प्रयोग कदापि न करें, नहीं तो उसकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाती है। जैसे WBPS लगता है, खेत में अंडाकार जला हुआ खेत दिखने लगेगा, 1 हफ्ते के अंदर पूरा का पूरा खेत बर्बाद हो जाता है। और मित्रों, मैं कृषक भाइयों से अनुरोध करूंगा कि नीम का के बहुत सारे उत्पाद वो घर में बना सकते हैं। यद्यपि बाजार में नीम के उत्पाद स्पिक्टाफ, वेनिस, नीम गोल्ड, नीमेक्स के नाम पर ये दवाइयां उपलब्ध हैं, जिसकी 5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से उसका प्रयोग कर सकते हैं। नीम की पत्तियों का काढ़ा, नीम की निमोली का काढ़ा ये घर में बना सकते हैं। 1 किलो नीम की पत्ती ले लीजिए, 10 लीटर पानी में उसको उबाल लीजिए और जब आधा हो जाए इसके बाद उसका 20 ml दवा प्रति लीटर पानी की दर से एक बार प्रारंभिक अवस्था में छिड़काव कर दें तो ये कीट का संक्रमण रुक जाएगा। और आपको बता दूं कि देसी परंपरागत कुछ हमारे बीज पौधे हैं जो आपके यहाँ उपलब्ध होंगे, जैसे भिलमा, गर्दी, सलैया, साले कहते हैं, गर्दी कहते हैं, भिलमा, इनकी पौधों की छोटी छोटी टहनियों को, शाखाओं को अगर आप अपने खेत में लगा दें, खेत में थोड़ा थोड़ा गाड़ दें, तो आप देखेंगे कि ये चूसने वाले कीट का संक्रमण नहीं होगा, पौधे आपके स्वस्थ होंगे। नेक्स्ट प्लीज। आइए हम बात करते हैं कि अभी तो ये हम आपसे बात करते रहे बीमारियों के बारे में, कैसे बीमारियां का प्रकोप होता है और किस तरह से बीमारियां नुकसान पहुंचाती हैं। आइए हम जाने धान के प्रमुख कीट कौन कौन से हैं और कीटों का जब संक्रमण होता है
तो वो किस तरह के इनके लक्षण दिखते हैं और कैसे वो नुकसान पहुंचाता है। सबसे पहले जरूरी है कि हम ये जानें कि वो बीमारी है कि कीट है। कीट और बीमारी का की पहचान कृषक भाई आसानी से कर लेते हैं। कीड़ों में कीड़ों के जब प्रकोप जब भी कभी होता है तो आप देखते होंगे कि उसमें दाग या लक्षण बाद में दिखते हैं लेकिन कीड़ों की संख्या दिखती है। तो सबसे महत्वपूर्ण कीट है जिसे हम कहते हैं धान का गॉल मेज रोग। ये गॉल मेज जो रोग कीट है ये लगभग आपने देखा होगा छत्तीसगढ़ तरफ इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है। लगभग ये पत्तियों में ये प्याज नुमा पत्तियों का ये निर्माण करना शुरू कर देता है। खूब छोटे छोटे इनके कीट रहते हैं और पत्तियों के जो कंसे हैं वो प्रभावित हो जाते हैं जिसके कारण उनका पूरा का पूरा खेत जलने लगता है। नेक्स्ट प्लीज। आप देखिए एक कीट लगता है जिसे कहते हैं तना छेदक। आपने देखा होगा वो डेड हेड बनाता है और जब आप खेत में जाएंगे तो देखेंगे कुछ बालियां अपने आप पूरी की पूरी दिखेंगी कि सफेद हो गई। आपको लगेगा कि ये क्यों कोई चिड़िया खा गई या कोई कीट खा गया। वास्तव में ये कीट रहता है जिसे कहते हैं तना छेदक। ये पौधे के तने को काट देता है और जब ये काट देता है तो उसका भोजन नीचे से ऊपर जाना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में कि वो बालियां जो बनती हैं उनमें दाने पोचे हो जाते हैं, सफेद हो जाते हैं। आप देख रहे हैं स्लाइड में पूरा का पूरा डेड हेड बन जाता है, सफेद बालियां निकलना शुरू होती हैं और उससे आपका बहुत नुकसान हो जाता है। यद्यपि इसका संक्रमण इसका प्रकोप अधिक से अधिक 4-5% होता है हमारे मध्य प्रदेश में, लेकिन स्टेम बोरर जिसे कहते हैं ये आपको आंध्र प्रदेश तमिलनाडु और वेस्ट बंगाल एरिया में इसका बहुत अधिक प्रकोप होता है। इससे बचने के हमें उपाय अवश्य करना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये सबसे खतरनाक कीट है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूं, BPH, सफेद माहू या सफेद भूरा माहू या हरा माहू। माहू का प्रकोप जब भी कभी होता है तो पूरा खेत आपको पहले शुरुआत में आपके पत्तियां हल्का हल्का पीली पड़ने लगेंगी। सुबह आप जाएंगे पौधे के आसपास हाथ लगाएंगे तो खूब छोटे छोटे कीड़े भुनगे टाइप दिखेंगे। आप ये स्लाइड में देख रहे हैं कि दाग जैसे छोटे छोटे सफेद सफेद चिपके, एक एक पौधे में हजारों की संख्या में हॉपर्स चिपके रहते हैं और जो हाथ लगाएंगे तो आपको चिपचिपा द्रव जैसे उसमें निकलेगा। तो ये बहुत ही खतरनाक कीट होता है और एक हफ्ते के अंदर पूरे खेत को जला देता है। ऐसा लगेगा जैसे कि आपका पूरा खेत जल गया है, आप देख रहे हैं। और ऐसी स्थिति में सबसे पहले कृषक भाइयों को चाहिए कि खेत से एक बार पानी निकाल दें। उस समय बिल्कुल यूरिया का प्रयोग न करें। कोई भी ऐसी दवा जैसे फिप्रोनिल है या मोनोक्रोटोफास है जो सर्वांगी हो, सिस्टमिक नेचर की हो, उसको तुरंत प्रयोग करें। और ऐसा करेंगे तो आप देखेंगे कि शुरुआत में ही ये माहू मर जाएंगे और आगे आने वाले दिनों में आपके जो खेत है वो बच जाएगा। उस हापर का जो बनता है, हापर बन कहते हैं उसको, या जो ब्लास्ट बनता है वो अंडाकार के होता है। तो ऐसा जिस तरह से लक्ष्मण रेखा खींचते हैं उस तरह से उस एरिया को हम अलग कर दें, वहीं पर ज्यादा दवा डालें ताकि आपका बचा हुआ खेत बच सके। और इसकी आर्थिक क्षति का जो स्तर है वो 5-10 kg अगर प्रति हिल एक गड्ढे पे जो आपके पौधे हैं अगर उसमें इस तरह दिखता है तो समझ लीजिए कि हमको दवा तुरंत डालना चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। ये गंदी मक्खी, जैसा नाम है वैसा गुण है, घोड़मुही बोलते हैं इसको। घोड़े जैसा मुंह होता है, आगे उसकी डंग जैसे रखता है, ये बाली पे बैठती है, हरे रंग की लंबी बालियों का दूध चूसती है जिसके कारण पूरी बालियां बदरंग हो जाती हैं, सफेद दिखने लगती हैं। इस बाली को जब खींचेंगे तो बाहर नहीं निकलेगी, जबकि जब तना छेदक होगा उसमें बालियां ऊपर आ जाती हैं, तना सहित बाहर आता है। तो ये सिर्फ दानों को डैमेज करता है, दानों को नुकसान पहुंचाता है और जो कीट ग्रस्त हमारे जो पौधे होते हैं उनके दाने
सर आप म्यूट हो गए हैं, अब आपने आपको अनम्यूट करिए सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी मैंने दोबारा रिक्वेस्ट दवाओं का प्रयोग अवश्य करें जिससे कि इसके कीट के संक्रमण को रोका जाए। जितनी भी आपकी सुगंधित किस्में हैं जैसे बासमती है या आपकी PS4 PS5 या आपका जो पूसा बासमती, तरोरी बासमती, पाकिस्तान बासमती, बासमती में खुशबू रहती है इस कारण इसका प्रयोग अधिक होता है। 1 से 2 बग अगर प्रति मीटर आपको बालियों के निकलते समय दिखे तो तुरंत आपको दवा कोई भी, चाहे आप ट्राइजोफास ले लें, चाहे मोनोकोटोफास ले लें, चाहे आप फिप्रोनिल ले लें, इनमें से कोई भी सिस्टेमिक दवा एक ले लें जिससे कि वो उसके कांटेक्ट में आए। क्लोरो प्लस साइपरमेथ्रिन का भी बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन आता है आजकल, उसका भी आप प्रयोग करके और इस कीट को रोक सकते हैं और इसके होने वाले नुकसान से बच सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। ये हिस्पा एक कीट होता है, खूब हरे रंग के छोटे छोटे चिपके हुए रहते हैं पत्तियों में, उनका रस चूस करके और उनको विषाणु की समस्या पैदा करता है ये। अगर 2 कीट प्रति हिल है तो समझ लीजिए कि आपको उसकी दवा डालनी पड़ेगी। इसलिए आप इस बात को अवश्य ध्यान रखें कि जब भी कभी इस तरह की कोई कीट हो तो सिस्टेमिक कीटनाशक दवा जो बाजार में उपलब्ध हो प्रारंभिक अवस्था में ही उपयोग करें और कभी भी नत्रजन उर्वरक का प्रयोग उस स्थिति में न करें जिस समय कीट और बीमारी का संक्रमण हुआ। नेक्स्ट नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट प्लीज। ये देखिए कुछ गैर रासायनिक प्रबंधन तकनीक के बारे में हम आपसे बात करना चाहेंगे कि ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जिससे का सबसे पहले जरूरी है कि खेत की गर्मी के दिनों में गहरी जुताई करें। अगर गर्मी के दिनों में गहरी जुताई किया है तो तना छेदक खुद का कीट का नियंत्रण नहीं हो सकता। दूसरी चीज, मेढ़ों की सफाई अवश्य करें। मेढ़ों में जो हमारे घास खरपतवार रहते हैं उसके कारण कीड़ों के संक्रमण अपने खेत में आ सकते हैं। जून के माह में नर्सरी अवश्य लगा दें प्रथम सप्ताह में ताकि आपकी अर्ली ट्रांसप्लांटिंग रोपा लग जाए। समय पर रोपाई करें तो आपका जो कड़वा रोग है जिसे फॉल्स स्मट रोग कहते हैं, जितना देर से आप रोपा लगाएंगे उतने आने की संभावना अधिक होती है। तो यदि आप अक्टूबर के प्रथम सप्ताह के पूर्व बालियों में दाने पड़ गए तो समझ लीजिए फॉल्स स्मट का कोई भी प्रभाव आने वाला नहीं है और आपके पौधे जो है पूरी तरह सुरक्षित रहेंगे। दूसरी चीज, बहुत सी ऐसी किस्में हैं जो रोग रोधी हैं, पूरे देश में जानी जाती हैं, जैसे रत्ना है, दीप्ति है, साकेत है, माया माया है, चंद्रेश्वरी है, महेश्वरी है, राजेश्वरी है, जया है, शरणा है, धनतेश्वरी है, आया 64 है। इन किस्मों के प्रयोग करने पर इन तना छेदक कीट गालमेज या WBPH GLH इनका प्रयोग कम होता है। और दूसरी चीज ये भी कोशिश करें, नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट, कि रोपाई से पूर्व धान की पत्तियों के ऊपर से अगर आपको ऐसा लगता है कि पूरी तरह से ये तना छेदक या लीफ हॉपर्स या आर्मी वॉर्म जैसे कीट हैं तो इनका निमूलन करने के लिए कुछ ऐसे चूर्ण आते हैं रसायनों के, इनका भी प्रयोग आप खेत में कर सकते हैं। जैसे कार्बरिल चूर्ण आता है इनका प्रयोग कर सकते हैं, नीम की नीमबोली, नीम की खली, इनका भी आप अधिक से अधिक प्रयोग कर सकते हैं, नीम की पत्तियों का। और जल का निकासी तो सबसे बढ़िया प्रबंधन है। जब भी कभी इस तरह से कोई कीट, चाहे आर्मी वाम हो चाहे हिस्पा हो, एक बार जमीन से, एक बार अपने खेत से पानी निकाल दें और संतुलित उर्वरक का प्रयोग, कभी भी नत्रजन का अधिक प्रयोग न करें। हम लोग किसान भाई क्या करते हैं, जब भी कभी भी पत्तियों में पीलापन दिखा हम ये नहीं समझ पाते कि वो पौधों में बीमारी है कि कीड़ा है कि क्या है, वो आंख मूंद करके यूरिया का प्रयोग करने लगते हैं और जितना ही अधिक हम यूरिया डालते हैं उतना ही अधिक कीड़ों का, बीमारियों का संक्रमण होने लगता है और अपनी फसल में होने वाले नुकसान को नहीं बचा पाते, उससे हमारा काफी नुकसान हो जाता है। नेक्स्ट प्लीज। एक गैर रासायनिक प्रबंधन तकनीक और बहुत अच्छी है, अगर आप लाइट ट्रैप लगा लें खेत में, एक छोटा सा कोई भी
एक हॉस टाइप बना करके उसमें 60 वाट का मर्क्यूरी वाला बल्ब लगा दें और उसको छोड़ दें नीचे बॉक्स बना करके, नीचे उसमें जो आपका अल्कोहल है या कोई ऐसा केमिकल जिसकी वजह से केरोसिन ऑयल या मिट्टी का तेल एक छोटा सा बॉक्स में रख के और ऊपर से बल्ब लगा कर छोड़ दें, तो उसमें क्या होता है कि खेत में कीड़ों के प्रकोप होने के पूर्व ही लाइट ट्रैप में कीड़े आना शुरू हो जाते हैं, अटैक होते हैं और जैसे ही बल्ब के नीचे आएंगे वो नीचे गिरेंगे, वो मर जाएंगे। तो कोशिश करें कि एक खेत में रात में 2-3 घंटे 4 घंटे के लिए लाइट ट्रैप अवश्य लगा लें। दूसरी चीज, एक गंध प्रपंच आता है विशेष प्रकार के वो ट्रैप रहते हैं, यदि इनका हम प्रयोग करना शुरू करें तो उससे नर कीट का अटैक होते हैं, वो आते हैं और उससे वो आकर के उसमें मर जाएंगे, जिससे हम बच सकते हैं। तीसरी चीज, कहीं अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई जुरई या लंबे कीट या कोई ऐसे आ रहे हैं जिनका की पत्तियों को चूस रहे हैं, तो खेत में टी आकार की छोटी छोटी लकड़ी लगा दें, टी आकार के, तो उसमें आपके चिड़ियों के बैठने की जगह बन जाती है। लगभग 1 हेक्टेयर में 25-30 तक आप लगा सकते हैं, तो उसमें चिड़िया, बगुला, गुरैया ये बैठती हैं और कीड़ों को चुन चुन करके चूस लेती हैं। दलहनी फसलों के लिए तो ये बहुत ही बढ़िया कारगर उपाय है। और हम तो इतना कहना चाहेंगे अपने कृषक भाइयों को कि कीट और बीमारी ये बहुत ही कठिन विषय है, वैज्ञानिकों को भी खेत में कभी कभी पहचानना कठिन हो जाता है। और जब कभी ऐसी स्थिति आती है तो हम सीधे दुकानदार के यहां से जाकर के जो दुकानदार दवा दे देता है उसका हम प्रयोग करने लगते हैं और दुकानदार को किसी भी प्रकार की बीमारी और कीट के पहचान की पर्याप्त सही जानकारी नहीं रहती। वो उसके पास जो उपलब्ध दवाइयां रहती हैं वो आपको एक के साथ दूसरा, दूसरे के साथ तीसरा, कुछ आपको हार्मोन दे देता है, पैसे बीमार अधिक खर्च होते हैं, लागत भी अधिक लगती है, हमको लाभ नहीं मिल पाता। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि कृषि विभाग के अधिकारी या कृषि वैज्ञानिक या विश्वविद्यालय या कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारियों के पास 2 मिनट जाकर के किसी भी माध्यम से, चाहे आप प्रेस मीडिया या आपका ये वैज्ञानिकों का कृषि विज्ञान केंद्र की विजिट हो या आपका व्हाट्सएप में हो या फेसबुक हो, किसी भी माध्यम से उस पौधे को इसके लक्षण को बताते हुए पहले बीमारियों को पहचान लें, जान जाएं और इसके बाद फिर आप दवा का प्रयोग करें तो आपकी जो गाढ़ी कमाई का पैसा है वो बर्बाद नहीं होगा, सचमुच में उसका 100% लाभ मिलेगा। होता क्या है कि अगर एक किसान ने दवा डाली, उसके खेत में बीमारी थी, उसको लाभ मिल गया, तो दूसरा किसान भी वही दवा डालने लगता है भले ही वो कीट का प्रकोप उसके खेत में हुआ हो। तो ये बहुत ही टेक्निकल विषय हो गया है, जिस तरह की मेडिकल कॉलेज में आंख, नाक, कान, गला और सर्जरी अलग अलग विषय के अलग अलग विशेषज्ञ होते हैं, ठीक उसी प्रकार के खेती में भी कृषि महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों, कृषि विज्ञान केंद्रों में भी उर्वरक के बारे में दूसरे वैज्ञानिक विशेषज्ञ रहते हैं, पौध सस्य विज्ञान के अलग रहते हैं, कीट शास्त्री अलग रहते हैं, पौध रोग विशेषज्ञ अलग रहते हैं, वेटनरी वाले अलग रहते हैं। तो यदि आप 2 मिनट का समय निकालकर कृषि विज्ञान केंद्र या कृषि महाविद्यालय या उनसे संपर्क करके बीमारी और कीटों के निदान के संबंध में पूर्ण जानकारी लेकर के दवा का प्रयोग करें तो 100% आपको लाभ होगा और जो लगभग 35-40% हमारा नुकसान बीमारी से, कीड़ों से प्रतिवर्ष हो रहा है हर फसलों में, धान में तो सर्वाधिक नुकसान होता है, तो इसलिए ऐसी खतरनाक बीमारियों को रोकने में आप सक्षम होंगे। प्रयास ऐसा करें कि हमारा पर्यावरण भी सुरक्षित रहे, हमें कम से कम रासायनिक दवाओं का प्रयोग करना पड़े, कम से कम कीटनाशक दवाइयों का प्रयोग करना पड़े। तो सबसे ज्यादा जरूरी है, जिस तरह से हम आज टीका लगवाते हैं कोरोना वैक्सीन के लिए, आपाधापी मची हुई है ठीक, और उसके अच्छे परिणाम हैं, ठीक उसी प्रकार से किसी भी बीज को बोने के पूर्व बीजोपचार अवश्य करें, बीजोपचार करने के बाद भी रोपा लगाने के पूर्व जड़ों को डुबा करके रासायनिक दवाओं में आप जो फफूंदनाशक दवा है या कीटनाशक दवा है, जैसे थायोमेथोक्सेम दवा एक ऐसा कीटनाशक दवा है 10 ग्राम प्रति एकड़ के बीज के लिए लगता है, बीजोपचार भी आप कर सकते हैं, तो चाहे आप फफूंदनाशक दवा के साथ थायोमेथोक्सेम भी मिला दें और बीजोपचार कर लें तो कीड़ों 35-40 दिन तक कीड़ों का प्रकोप नहीं होगा।
खड़ी फसल यदि है तो आप मोनोक्रोटोफास, थायोमेथ्रेक्सेम या फिप्रोनिल या ट्राइजोफास या मोनोक्रोटोफास, इनमें से कोई भी आपको स्पेसिफिक दवा बायफोरजिन आती है, इनका प्रयोग कर लें तो आपको 100% लाभ मिलेगा। अन्यथा हम सिर्फ भटकते रह जाते हैं और जो हमारी लागत लगती है वो सर्वाधिक हो जाती है और हमको लाभ नहीं मिल पाता। तो मित्रों, बीमारी और कीटों की पहचान करने के बाद ही पौध संरक्षण दवाओं का प्रयोग करें और समन्वित प्रबंधन के बारे में हम अवश्य सोचें। समय पर बोनी, खेत की अच्छी तैयारी, बीजोपचार, पानी का प्रबंधन, उर्वरक का प्रबंधन, पौध संरक्षण के उपाय और खास तौर से पौधों के द्वारा जो ऐसे पौधे जो कीड़ों को रिपेलेंट करते हैं, जैसे आपका नीम है, यूकेलिप्टस है, अगेव है, या आपका एलोवेरा है, या लहसुन है, या जो आपके नीम के ये जो आप की नीम की पत्ती में आप अगर मठा मिला करके उसको सला दें या आप ऐसे जो है उत्पाद बना लें और उनको भी प्रयोग करें तो बहुत से जो विषाणुगत बीमारियां होती हैं या चूसने वाले जो कीट होते हैं उनको हम आसानी से रोक सकते हैं। और प्रारंभिक अवस्था में अगर हमने रोक दिया तो कीड़ों के जो उग्र रूप है उसका संक्रमण जो है वो कम हो सकता है और उससे हम आसानी से अपनी फसल को बचा सकते हैं। आपने हमारी बात को बड़ी गंभीरता से सुनी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपके कोई भी प्रश्न हो तो एक एक करके आप अपना प्रश्न अवश्य रखें। डॉक्टर प्यासी जी, हेलो। जी सर। हाँ, प्रश्नों को आमंत्रित करें कृषक भाइयों के, यदि कोई प्रश्न जी सर। हो। आवाज आ रही थी पूरी? हाँ, पूरी आवाज आई सर। ओके, थैंक यू वेरी मच, आपने हमको अवसर दिया बोलने का जी और सर। इस बलराम फाउंडेशन के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम बलराम संदेश में हमें आपने अपने विचार रखने का अवसर दिया, इसके लिए मैं हृदय से आपको साधुवाद देता हूं और कृषक भाइयों का मैं विशेष रूप से आभारी हूं जिन्होंने बड़ी गंभीरता से हमारी बात को सुनी और इस प्रोग्राम को ज्वाइन करके कार्यक्रम को सफल बनाया। मैं प्रणाम करता हूं डॉक्टर बीएन सिंह साहब को, उनका चेहरा मुझे दिख रहा है। सर बहुत बहुत प्रणाम, आपसे मुलाकात हैदराबाद में, कटक में, ऐसा कोई भी राइस की वर्कशॉप नहीं होगी जहां हमारी आपकी मुलाकात नहीं हो और आपके अनुभव को हम लोगों ने सुना ना हो। आपको बहुत बहुत प्रणाम करता हूं और आपके स्वस्थ रहने की देख रहे हैं, आप अभी वैसे ही आप स्मार्ट दिख रहे हैं जैसे पहले थे, ऐसी आशा करता हूं, ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें। सर पहला क्वेश्चन जो है श्री प्रकाश मालपानी जी का है जो जबलपुर के प्रगतिशील किसान हैं। जरूर, मैं उनको आमंत्रित करता हूं कि वो अपने प्रश्न रखें, अपना परिचय देते हुए अपने प्रश्न रखें। आदरणीय प्रकाश मालपानी जी बोले। प्रकाश जी, प्रकाश मालपानी जी प्लीज अपना सवाल रखें। हाँ जी बोले। नमस्कार साहब, मैं जबलपुर से प्रकाश मालपानी बोल रहा हूँ और हम लोग करीब 30 एकड़ से 40 एकड़ में धान की खेती करते हैं। कौन सी किस्म लगाते हैं? हाँ जी, किस्मों में किस्म तक तो हम लोगों ने वो किया था अपना, क्या बोलते उसको, 44 और अच्छा अच्छा हाइब्रिड लगाते हैं आप, शंकर धान? हाँ जी, शंकर लगाते हैं। जी जी जरूर जरूर। मैं साहब सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि ये दोनों धाने जो हैं जब पक के तैयार हो जाती हैं तो उसमें वो जो हल्दी रोग होता है फॉल्स। हेलो। हाँ जी, हाँ जी बोलिए, आवाज चली गई थी आपकी। हाँ जी, तो वो होता है तो इससे अभी इस पे कोई जैविक ट्रीटमेंट शुरू से अगर हम करें तो वो क्या ट्रीटमेंट कर सकते हैं जिससे कि बीमारियां अगर कुछ हो आपके ध्यान में कोई चीज तो वो बताए। धन्यवाद सर। सौरभ शंकर दुबे जी का अगला प्रश्न है, हैंड रेज है, आप अपना प्रश्न पूछिए सौरभ शंकर जी। अरे सुरेश जी, अभी उनका सवाल का जवाब आना था ना, मालपानी जी का। जी 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 सर, जी जी सर। त्रिपाठी सर प्लीज मालपानी जी के सवाल का
जवाब। सर अनम्यूट करिए सर हमने आपको। उनको आवाज नहीं पहुंच पा रही है सर। म्यूट सर, म्यूट है सर त्रिपाठी सर, अनम्यूट करिए। हाँ जी हाँ जी, अब आ रही है आवाज आपकी। जी जी हाँ, आ रही आवाज। हाँ जी सर, जी सर, ओके। मेरा ये कहना है कि ये बीमारी फफूंदगत है लेकिन बीज जन्मी नहीं है, बीज से ये बीमारी नहीं फैलती, इसलिए बीजोपचार करना इसके लिए बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं है। ये किसी भी संकरधान जिसकी की पकने की अवधि 125-30 दिन से ऊपर होती है, उसमें अगर उस वर्ष बारिश अधिक होती है और आपने उर्वरक का अधिक प्रयोग किया है तो इसके आने की संभावना अधिक रहती है, बीमारी उग्र रूप लेती है। मेरा आपसे अनुरोध ये है कि बालियों के निकलने के एक हफ्ते पूर्व एक दवा आती है जिसका नाम है प्रोपीकोनेजॉल या क्लोरोथेलोनिल, क्लोरोथेलोनिल या प्रोपीकोनेजॉल 1.5 मिलीलीटर दवा प्रति लीटर पानी की दर से एक बार अपने पूरे खेत में इसको छिड़का दें तो आपके खेत में कंडो रोग का प्रकोप नहीं होने पाएगा। पौधों में जो बीज बनेंगे बालियों में वो उनमें चमक होगी और मजबूती के साथ निकलेंगे, स्वस्थ रहेंगे, ग्रेन डिस्कलरेशन जो होता है उसका भी प्रकोप नहीं होगा। अन्यथा यदि खेत में बीमारी आ गई फिर किसी भी दवा का कोई भी प्रभाव इस बीमारी पर नहीं पड़ता। ये 4-5 दिन ये फूली हुई फूल जैसी रचना बेर जैसे दिखती है, इसके बाद पूरी वो काली पड़ जाती है, बालियां बदरंग हो जाती हैं और जबरदस्त नुकसान हो जाता है। दूसरा प्रश्न जी, नेक्स्ट सवाल था कांग्रेस सुशील दशरथ पांडे सर जी का हैंडल। हाँ बोले पांडे जी। दशरथ पांडे सर प्लीज अपना परिचय दीजिए और आगे सवाल पूछिए सर। हेलो पूछे पांडे सर। हेलो हाँ जी नमस्कार सर। कि आपने कुछ पौधे ऐसे बताए जिससे सकिंग इंसेक्ट नहीं आते, तो डिटेल बताएं कौन से पौधे हैं वो। वो आपके, आप कहाँ से हैं? जबलपुर से, मंदसौर डिस्ट्रिक्ट से। अच्छा मंदसौर में। हमारे यहाँ एक पौधा होता है जिसे भेलमा बोलते हैं। भेलमा, भेलमा इसका दूसरा सलैया बोलते हैं, जो शादी में मगरोहन बनता है, नीम जैसी पत्ती होती है। एक होता है नाच की तरह जिसे जिसे गर्दी बोलते हैं। तो भेलमा, सलैया, गर्दी, नीम, यूकेलिप्टस और आपका करंजी, करंजी कंजी बोलते हैं जिसको जी। हाँ, तो होता था। हाँ बिल्कुल। तो इनका आप अगर छोटी छोटी शाखाएं मिल जाए तो खेत में आप 10-25 छोटे छोटे टुकड़े गाड़ दें या इनकी पत्ती का काढ़ा बना करके आप शुरुआत में छिड़काव कर दें। सबसे बढ़िया नीम है, यूकेलिप्टस है, मेहंदी है, करंजी है, तो उससे कीड़ों के प्रारंभिक अवस्था में संक्रमण को रोका जा सकता है और आगे आने वाले एक बार शुरुआत में वो स्टेज क्रॉस कर गई तो फिर नुकसान नहीं पहुंचा पाता। जी जी नेक्स्ट सवाल लीजिए सौरभ दुबे सर प्लीज आइए। सौरभ दुबे जी आप सुन पा रहे हैं मेरी आवाज? सौरभ शंकर दुबे जी अनम्यूट करिए अपने आपको। जी जी जी, थैंक यू थैंक यू। एक्चुअली अनम्यूट नहीं हो रहा था मुझसे, थैंक यू थैंक यू। मैं, मेरा सर सवाल था, मैं नरसिंहपुर से हूँ सर। जैविक विधि में सर कुछ ऐसे फंगीसाइड हैं जिससे अपन हल्दी गांठ के रोग को प्रभावी रूप से रोक सके, और दूसरा क्या नीम तेल का अपन एक शेड्यूल वाइज स्प्रे करके भी कुछ कीटों को रोक सकते हैं? कुछ ऐसा रिसर्च अगर आपने किया हो जैविक के उसमें तो बताएं सर। बिल्कुल, हल्दी रोग आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है मेरी? आ रही सर, आ रही।
मेरा ये कहना है हल्दी रोग जिसे हम कहते हैं फास्ट स्मार्ट, इसका संक्रमण हवा से होता है, ठीक है ना। अगर मौसम अनुकूल हुआ, तेज हवा चली, बालियों के जो फूल खिले, तो हवा से स्पोर लाज करते हैं, और एक बार अगर वो ओवरी पर पहुंच गया तो वो जो बीज बनने की जगह काला पाउडर भर जाता है, स्पोर मास भर जाता है। इसका प्रिडिक्शन करना, अंदाज लगाना कि इस वर्ष आएगा कि नहीं, ये कठिन होता है। एक बार अगर ये लग गया उस बाली में तो फिर बाद में ये काम नहीं करता, क्योंकि वो ओवरी को कन्वर्ट कर देता है काला पाउडर में। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक बार बालियों के निकलने के एक हफ्ते पूर्व जो मैंने आपको दवाई बताई, क्लोरोथेनोनिल, कंटाफ, प्रोपिकोनेजॉल या विटावैक्स पावर, इनका एक स्प्रे आप अगर कर दें शुरुआत में, तो आपके खेत में एक हफ्ते बाद वो बालियां निकल आएंगी, फूल में दाना बनना शुरू हो जाएंगे, फिर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा कोई भी तरीका अभी तक इसमें नहीं है, कोई भी किस्में अभी रोग रोधी नहीं है। अगर वो प्रारंभ आपने अपना खेत में सोइंग का मैनिपुलेशन अच्छा कर लिया, पहले कर लिया, और अगर आपने अगेती खेती कर ली, तो बालियां अगर आपकी अक्टूबर के पहले निकल आती हैं सितंबर एंड में, तो वो अपने आप बच जाएगी, उसमें प्राकृतिक रूप से संक्रमण नहीं हो पाएगा। लेकिन यदि आप 64-44 बो रहे हैं जो 140 दिन में पकती है, वो निश्चित रूप से देर से पकने वाली किस्में प्रभावित होंगी, और उससे बचने का इसके अलावा कोई तरीका नहीं। रहा सवाल नीम के लीफ एक्सट्रैक्ट, नीम के प्रोडक्ट या नीम ऑयल डालने का, तो आपको बता दूं कि अगर 15 से 20 दिन के अंतराल में टिलरिंग अवस्था में, जिस समय की आपकी शाखाएं निकलती हैं, गभोट अवस्था में सिर्फ दो छिड़काव 15 दिन के अंतराल पर आप कर दें, तो चूसने वाले कीट जैसे आपके लीफ फोल्डर लगता है, केश वॉर्म लगता है, या आपका स्टेम बोरर आता है, या गंधी बग आता है, इसकी पॉप हमें रिपेलेंट का काम करना, हमें कीड़ों को मारना नहीं है, कीड़ों को भगाना है। इसलिए कीड़ों का प्रकोप हमारे खेत में ना हो, ऐसे प्रयास करने की आवश्यकता है। और कीड़ों को मारने के लिए तो बहुत से कीटनाशक दवा है, तो हम ऐसा मैनिपुलेशन करें अपने खेती में, मेड़ की सफाई करें, समय पर बुनी करें, चारों तरफ मैंने उनको इस तरह से, तो आपके खेत में कीड़ों का प्रकोप नहीं होगा। आदरणीय अर्जरिया जी साथ में हैं, उनका हैंड रेज है। हाँ जी, कृपया अपना परिचय देते हुए जो है अपना प्रश्न पूछें। हाँ, मैं जबलपुर से ब्रजेश अर्जरिया बोला था। अभी दो क्वेश्चन आया आपके, प्रकाश मालपाणी जी का और दुबे जी का। हल्दी गार्ड में थोड़ा इसमें एक करेक्शन करना चाहूंगा। हल्दी गार्ड में बीज उपचार होता है, और विटावैक्स पावर से आप बीज उपचार कीजिए। हम लोग यहाँ क्रांति में करवाते हैं, उसमें सोक डिप मेथड से बीज उपचार करने पर, जैसे भी त्रिपाठी जी ने बोला कि कोई बीज उपचार काम नहीं करता, लेकिन खासतौर पर हल्दी गार्ड जहाँ पे पिछले वर्षों में रिपोर्ट होता आ रहा है, वहां पे बीज उपचार बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सीड बॉर्न डिजीज है, एक्सटर्नली सीड बॉर्न है, और इसका बीज उपचार बहुत जरूरी है। और बीज उपचार करने से 90% इसमें कंट्रोल होता है। और दूसरा जो प्रकाश मालपाणी जी और जैविक उपचार पूछा है, उसमें मैं बताना चाहूंगा कि स्यूडोमोनास का 2 स्प्रे 45 से 50 दिन में, और दूसरा स्प्रे बाली निकलने के अवस्था के करने से बहुत ही अच्छा कंट्रोल पाया गया है। और तीसरा मैं इसमें एक करेक्शन करना चाहूंगा, JR 81 किस्म और JR 206 जो अभी निकली है वो 120 दिन की है, और इसमें काफी हद तक अभी रेजिस्टेंट पाया जा रहा है। तो दो रेजिस्टेंट वैरायटी अपने पास जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय के पास है, जो 120 दिन की है, अर्ली मेच्योरिटी वैरायटी है, इस कारण से ये पककर जल्दी तैयार हो जाती है, और वो पीरियड जो हल्दी घाट आने का रहता है वो निकल जाता है, इसलिए एक प्रकार से अभी अभी वर्तमान समय में रेजिस्टेंस है। किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो जैविक खेती करते हैं वो ये रेजिस्टेंट वैरायटी लगाएं और स्यूडोमोनास का स्प्रे करें, तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट पाया जाएगा। ओके, धन्यवाद सर। मैं बताना चाहूंगा कि आदरणीय डॉक्टर ब्रजेश अर्जरिया जी हमारे जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय जबलपुर के माननीय प्रमंडल सदस्य हैं, और बलराम संदेश का भी इनको स्नेह और आशीर्वाद हमेशा मिलता रहता है। मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। अगला प्रश्न है श्री स्वदेश जी का। स्वदेश जी अपना परिचय दें। सर मैं स्वदेश कुर्मी जबलपुर से बात कर रहा हूँ। मैं
जानना चाह रहा था सर कि यदि कोई हाइब्रिड 135 दिन ड्यूरेशन का कोई क्रॉप है, कोई भी हाइब्रिड 135 से 140 दिन का है, उसमें फील्ड लेवल आइडल प्लांट पॉपुलेशन क्या होनी चाहिए पर मीटर स्क्वायर पे, और इसको फील्ड लेवल पे कैसे मेंटेन किया जा सकता है? उसमें सबसे अच्छा तरीका ये है कि जो श्री विधि से आप करते हैं कि सामान्य रोपा लगवाते हैं? सर सामान्य रोपा। तो आप पौधों से पौधों की दूरी 20 सेंटीमीटर रखिए और कतार से कतार की दूरी भी 20 सेंटीमीटर रखिए। जो सुतली सुतली आपकी लगती है, सुतली में 20-20 सेंटीमीटर में कोई कपड़े लाल कलर के धागे लगवा दें 20-20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो दोनों किनारे पर वो खूंटी से गाड़ देंगे तो लाइन की लाइन मेंटेन होगी या पौधों के पौधों की दूरी भी मेंटेन हो जाएगी। ओके। और सर एक क्वेश्चन और था कि पैडी के लिए जो बेसल डोज का रिक्वायरमेंट होता है तो वो ट्रांसप्लांटिंग से पहले डालना है या ट्रांसप्लांटिंग के बाद? नहीं, सिर्फ ट्रांसप्लांटिंग के समय बेसल डोज आपको स्फुर पोटास देना है और बाकी नत्रजन खाद 3-4 टुकड़ों में आपको 15-15 दिन के अंतराल पर देना है। सर फास्फोरस की डिमांड कैसे पूरा कर सकते हैं? सिंगल सुपर फास्फेट मिल जाए बहुत बढ़िया है। पोटाश आपको देना ही देना है, जिंक सल्फेट अपने को देना ही चाहिए, खैरा रोग नहीं लगेगा। तो आधार खाद आप रोपा लगाते समय दे दीजिए और इसके बाद स्प्रे आप यूरिया से कर दीजिए। भुरकाओ। ओके थैंक यू सर। ओके थैंक यू। नेक्स्ट मुझे लगता है सर अब हैंडरेज तो किसी का नहीं है, चैट बॉक्स से ले लें सर। चैट बॉक्स में कुमार विवेक शाही जी हैं, उन्होंने पूछा है कि हाउ टू सेव पैडी क्रॉप फ्रॉम वाइल्ड पिग, जंगली जो सुअर है उससे कैसे इसको क्योर कर सकते हैं, और ये लाइन ऑफ कंट्रोल के आसपास ज्यादा होता है, और इनका साथ में दूसरा सवाल है टर्माइट कंट्रोल के लिए। टर्माइट की समस्या सामान्यतया धान में नहीं आती, अगर पानी आपने दिया है और सिंचाई की पद्धति आपके पास विकसित है, सिंचित अवस्था में टर्माइट का प्रकोप नहीं होता। लेकिन यदि है तो क्लोरोपाइरीफास एक दवा आती है, इसका पाउडर भी आता है इसका लिक्विड भी है, तो इसकी डस्टिंग 8-10 किलो प्रति एकड़ की दर से कर लेंगे तो टर्माइट की समस्या खत्म हो जाएगी। ये स्मेल भी करेगा तो जो आपके बॉर्डर वाले जो खेत हैं उससे सुअर का भी प्रकोप नहीं होगा। और कुछ ऐसी दवाइयां आती हैं जो बहुत बैड स्मेल करती हैं जैसे ग्रमेक्सोन वगैरह, तो उनका भी प्रयोग कर सकते हैं आप। लेकिन टर्माइट से बचने का एक ही तरीका है कि यदि कहीं टर्माइट की पॉपुलेशन दिख रही है तो क्लोरोपाइरीफास का पाउडर या और हेलो हाँ हेलो हाँ बोले सर, आवाज चली गई थी सर आपकी? हाँ अब आ गई होगी। ठीक है सर, ये एक मैं कुछ ऐड करना चाहूंगा, मैं टीम बलराम से ही हूँ, शिव कुमार जी। जी जी, रेतीली जमीन में सर प्रॉब्लम मिलती है कुछ, हरियाणा और जो कुछ ऐसे क्षेत्र हैं वहाँ पे दीमक की समस्या आती है, और इसमें सर बवेरिया बेशाना और मेटाराइजम भी काफी हद तक जो है कवर करता है। श्योर श्योर जी सर, बहुत बढ़िया है, ये काम करेगा, बिल्कुल करेगा जी सर। योगेश पटेल जी हैं सर, ये पूछ रहे हैं कि रेगुलर इंटरवल पर कौन सा फफूंदनाशी प्रयोग करें जिससे कि हमारा जो फसल है वो फफूंद से मतलब बची रहे, जिसमें भी इसमें बीमारियां आती हैं। सबसे प्रभावशाली दवा आज की स्थिति में प्रोपीकोनेजॉल, इस दवा का 1.5 ml दवा प्रति लीटर पानी की दर से सिर्फ 2 छिड़काव करें आप, एक करिए आप गभोट अवस्था में और एक करिए आप पेनिकल निकलने के बाद, 15 दिन के अंतर पर 1.5 ml दवा प्रति लीटर प्रोपीकोनेजॉल या ट्राईसाइक्लोजॉल, ये सिर्फ 1 ग्राम दवा प्रति लीटर लगेगा, यदि इसका प्रयोग करें तो आपके खेत में फफूंदजनक बीमारी नहीं आएगी जी। सर दशरथ पांडे जी पूछ रहे हैं कि कोई ऐसा फंजीसाइड है जिसकी वजह से निर्यात में प्रॉब्लम आई हो? बिल्कुल, ये अगर बासमती आप लगा रहे हैं और आपने इसका प्रोपीकोनेजॉल या ट्राईसाइक्लोजॉल का अधिक प्रयोग किया है तो आपका एक्सपोर्ट रुक जाता है।
डॉक्टर देवदास पटेल जी हैं, इनका सवाल है कि फफूंदनाशी और कीटनाशक को एक साथ मिला के यूज कर सकते हैं? एक्चुअली कॉम्पेटिबिलिटी होना चाहिए, अगर वो फफूंदनाशक कीटनाशक के कॉम्पेटिबल है तब तो हम कर सकते हैं। कई दवाइयां क्या है कि कीटनाशक कीटनाशी फफूंदनाशक आपस में अगर कॉम्पेटिबल नहीं है तो पत्तियों को जला देती हैं। इसलिए पहले वो दवा का चार्ट उसमें देख लें, उसमें लेबल में लगा रहता है कि कॉम्पेटिबल है कि नहीं, अन्यथा आप अलग अलग प्रयोग करें। सामान्यतः हमारे यहाँ जो परीक्षण हुए हैं कॉम्पेटिबिलिटी टेस्ट के, उसमें ये देखा गया है कि ये जो आपका कार्बिंडाजिम है या आपका जो ये प्रोपिकोनेजाल है, ये कई कीटनाशकों के साथ कॉम्पेटिबल है, इनको मिला करके कर सकते हैं। सौरभ यादव जी हैं, ये पूछ रहे हैं कि PD-1 वैरायटी सीड ड्रिल से सोइंग करने का प्लान कर रहा हूं सर, ये जो है कौन सी वैरायटी? PB-1 पूसा बासमती 1। अच्छा, पूसा बासमती 1 किससे कर रहे हैं? सीड ड्रिल से कर सकते हैं, DSR मेथड से पूछ रहे हैं सर। देखिए, अगर DSR से कर रहे हैं या रोपा लगा रहे हैं या किसी, हमारा उद्देश्य ये होना चाहिए कि पौधों की संख्या खेत में पर मीटर स्क्वायर बराबर हो। यदि 35 से 40 पौधे आपके पर मीटर स्क्वायर बनते हैं, आप एक डायरेक्ट सीडराइज करना बहुत अच्छा है, आप सीधे ड्राई सोइंग कर दीजिए और अंकुरण के समय जो आपकी प्री इमरजेंस वीडिसाइड है, जैसे आपका ब्यूटाक्लोर है या पेंडीमिथिलिन पहले डाल दें, पेंडीमिथिलिन डाल देंगे अंकुरण के पूर्व, तो कोई भी आपका वीड नहीं आएगा और पौधे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन बाद में आपको निराई कम से कम दो करनी पड़ेगी, क्योंकि ये पूसा बासमती सेंटेड वैरायटी है, 120 से 125 दिन लेती है, और अगर पॉपुलेशन कम हो गई तो फिर आपका उत्पादन कम मिलेगा। वैसे भी बासमती का उत्पादन 35-40 क्विंटल से ज्यादा होता नहीं है, तो कोशिश करें कि रोपा लगाएं। अगर डायरेक्ट सीडेड करना है तो बहुत अर्ली करें और बेसल खाद जरूर अच्छा दें, वर्मी कंपोस्ट गोबर की खाद और नत्रजन स्फुर पोटाश जिंक सब दें, और निदाई का विशेष रूप से ध्यान रखें ताकि वीड पॉपुलेशन के कारण बासमती के पौधों की ग्रोथ न रुके। ठीक सर, नेक्स्ट सवाल है सर, धान की जो पौधशाला है उसमें अंकुरित करके बीज डालें या सीधे भी डाल सकते हैं और बाद में पानी दे दें? तो एक सीड प्राइमिंग विधि बहुत अच्छी होती है। सीड प्राइमिंग में क्या होता है कि हम रात को बीजोपचार पहले एक दिन पहले कर लें, इसके बाद बीज को हम भिगो दें, भिगोने के बाद उसको निकाल करके और दबा दें एक दिन, तो उसकी अंकुरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और फिर हम 48 घंटे बाद उसको नर्सरी में डालें तो आपका पौधा चौथे दिन बाहर आ जाता है। यदि हम सूखा बोते हैं तो कम से कम 8 से 10 दिन ले लेता है नर्सरी में पौधों निकलने के लिए। तो सीड प्राइमिंग गीला करके और उसे भीगा करके बोना ज्यादा प्रभावशाली है, बीजोपचार भी उससे करना आसान रहता है, पौधे स्वस्थ निकलते हैं। जी ठीक है सर। सर एक कुमार विवेक शाही जी हैं, ये कुछ फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं, जम्मू में इनकी फार्मिंग है, काफी सारे फार्मर्स के साथ जुड़े हुए हैं, ये एक्सपोर्ट से भी जुड़े हुए हैं, कोनोजोल के जैसे ट्राइसाइक्लोजोल के एक्सपोर्ट में दिक्कत आती है, उसके रेजिडुअल इफेक्ट आते हैं, इसी तरीके कोनोजोल के भी आते हैं जैसे इन्होंने? बिल्कुल आती है। क्या कोई और सेफ फंजिसाइड जैसे बात की हमने स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस? बिल्कुल, ट्राइकोडर्मा कल्चर आप सॉइल में डलवाएं, स्यूडोमोनास फ्लोरेसेंस कल्चर का स्प्रे कराएं, और नीम के जो प्रोडक्ट हैं, चाहे वो फ्रेश नीम का स्वयं बनाएं या वो नीम के जो उत्पाद मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे नीमेक्स है, नीम गोल्ड है, स्पिक्टॉफ है, वेनिस है, इनका प्रयोग करें, तो उससे क्या होगा कि कीड़ों को बीमारियों को रोकने भी मदद मिलेगी और रेसिडुअल इफेक्ट कीटनाशकों का या फफूंदनाशकों या दवाओं का उसमें कम आएगा ना आएगा। ठीक सर, लास्ट सवाल है, DSR मेथड में पौधे जो है पीले पड़ जाते हैं तो हाँ जी, क्या ये स्वदेश जी पूछ रहे हैं, सॉरी अखिलेश, कैसे रुके सर? अखिलेश जी, DSR में पौधे पीले पड़ने का कारण ये है कि जैसे अपन ने सूखा बो दिया, बोने के बाद पानी के आने का क्रम हमें मालूम नहीं है, पौधों का थोड़ा भी नमी हुई तो अंकुरण आ गया,
अब अंकुरण जैसे ही आया, पौधे बढ़ने लगे, उस समय उसको नमी की कमी और पोषक तत्वों की कमी होती है, जिसके कारण कि वो पौधे पीले दिखने लगते हैं। और जैसे ही उन्हें पानी मिलता है और अच्छा टेम्परेचर घटता है वातावरण में, क्लाउडी वेदर्स और पानी गिरने लगता है, उस समय ग्रोथ पिकअप करता है। तो उसमें हमारा ये कहना है कि आप चाहे डायरेक्ट सीडिंग करें, DSR से करें या किसी पद्धति से करें, आधार खाद आप अवश्य दें। सिंगल सुपरफास्फेट, पोटाश, जिंक आप साल में आधार खाद के रूप में अवश्य दें। और DSR में इस बात तुम्हारा खाना क्यों नहीं ला रहे, इतना अवश्य ध्यान रखें कि प्री इमरजेंस वीडिसाइड आपको पहले से ही खरीद करके रख लेना है। जैसे ही पौधा बाहर आए और नमी अगर हो तो तुरंत वीडिसाइड का प्रयोग करें, खरपतवार नाशी, ताकि वो वीड्स मर जाए, अन्यथा वीड पॉपुलेशन, वीड कंपटीशन बढ़ जाता है, पौधे हमारे दुबले हो जाते हैं। जी सर, इसी से जुड़ा हुआ है कि मतलब फर्टिलाइजर एप्लीकेशन में आपने बताया कि एक आइडियल जो कंडीशन हो सकती है उसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाश के साथ में, और मतलब आइडियल कंडीशन जिससे बेहतर यील्ड निकले, उसके लिए किस तरह का जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट है वो, और इसमें आप क्या ऐड करना चाहेंगे सर? ये स्वदेश जी हैं, ये पूछ रहे हैं। हाँ, उसमें तो मेरा ये कहना है कि सीड कम फर्टिलाइजर आपके जो ड्रिल्स होंगे, तो नीचे आपका उसमें फर्टिलाइजर जाए, ऊपर आपका बीज जाए, यदि हम डायरेक्ट सीडिंग करते हैं। और उस समय आपको बहुत अधिक फर्टिलाइजर नहीं देना, आप जितना बीज उतना ही खाद दें, ताकि प्रारंभिक जो जर्मिनेशन हो उस समय पौधे को पोषक तत्व मिल जाए। इसके बाद जैसे ही हमारा लगभग पौधा 10 दिन या 15 दिन का हुआ और वीडिसाइड हमारा पड़ गया, फिर आप अपने जो टॉप ड्रेसिंग है यूरिया की, या मैक्रोन्यूट्रिएंट आता है जैसे पेंटागान जैसे आते हैं, जिसमें जिंक है और मॉलिब्डेनम है, निकिल है, आपका कॉपर है, कई पोषक तत्वों कॉम्बिनेशन होता है, यदि उनका भी हम एक प्रयोग करें 5 किलो प्रति एकड़ की दर से, तो बहुत अच्छा पिकअप करता है, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी आती है। सवाल तो सर फिनिश हो गए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। शिव सर, मैं एक प्रश्न करना चाहता हूँ सर। मैं प्रणय व्यास बोल रहा हूँ सर, और मैंने 40 वर्षों तक बीज प्रमाणीकरण में अपनी सेवा देने के बाद में मैं अभी 30 अप्रैल को सेवानिवृत्त हुआ हूँ, और पिछले 6 सालों से मैं बीज परीक्षण प्रयोगशाला में ही कार्य कर रहा था। सर, मैंने देखा है कि धीरे धीरे पैडी बंट का प्रकोप अपने प्रदेश में भी बढ़ता जा रहा है। वैसे तो ये नॉर्थ इंडिया की बीमारी है, मगर अभी ये जो है धीरे धीरे मध्य प्रदेश में भी काफी लॉट इसके संक्रमित मिले हैं सर। तो सर, इसके बारे में कुछ सब बंट की जो प्रॉब्लम है, बंट एक स्ट्रिक्टली सीड बॉर्न बीमारी है जी। और जब भी कभी सीड बॉर्न, चाहे एक्सटर्नली सीड बॉर्न हो चाहे इंटरनली सीड बॉर्न पैथोजेंस हो, यदि वो बीज के साथ उनका एसोसिएशन है, तो वो अनुकूल परिस्थितियां होने पर उनके लक्षण अवश्य दिखेंगे और उसको रोकना कठिन है। इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि चाहे हम कहीं से भी बीज लें, बीजोपचार अवश्य करें। बीजोपचार के लिए विटावेक्स पावर, बीजोपचार के लिए इसी का कॉम्बिनेशन भी आता है, कार्बेंडाजिम और मैंकोजेब का, जिससे सांप जैसी दवाइयां, या सिक्सर, इनका बीजोपचार करके आप बोएंगे तो क्या होगा कि वो जो बंट के आपके फंगल प्रोपेग्यूल्स हैं वो वहीं पर खत्म हो जाएंगे और आगे बीमारी नहीं बढ़ पाएगी। तो इसलिए बीजोपचार से अच्छा कोई बेहतर तरीका इसके बचने के लिए नहीं। धन्यवाद। समय भी बहुत हो चला है, और मैं आज के सफलतम वेबिनार के एक्सपर्ट रिमार्क के लिए आमंत्रित करता हूं हमारे जो आज के एक्सपर्ट हैं, डॉक्टर आदरणीय बीएन सिंह साहब को। से अनुरोध है कि वो अपना स्नेह आशीर्वाद और मार्गदर्शन साथ ही साथ आज के प्रेजेंटेशन को रिव्यू करने की कृपा करें।
मैं पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा सनत त्रिपाठी जी का, उन्होंने बड़ा अच्छा पूरा कॉम्प्रिहेंसिव जो है जितनी बीमारियां और जितने कीड़े हैं उनके बारे में चर्चा की। मैं कहना चाहूंगा कि इधर कई सालों से जब से संकर धान की खेती ज्यादा होने लगी है तब से फॉल्स स्मट का प्रकोप ज्यादा हो गया, और मैं भी जब खेती करता हूं तो देखता हूं कि वो उसके स्पोर हवा में एक उड़ करके दूसरे खेतों में चले जाते हैं, और इसमें जो एस्केप मैकेनिज्म है जो अर्ली वैरायटी है या जो लेट वैरायटी है, अर्ली वैरायटी जो 120 दिन से कम की ड्यूरेशन की है या जो लेट वैरायटी जैसे हम अभी बोना काला नमक करते हैं उसका फ्लावरिंग 20 अक्टूबर के करीब होता है, तो उनमें जो है प्रकोप इसका कम होता है, और जो बीज के ड्यूरेशन की वैरायटी है 125 से लेकर के 140 दिन तक और संकर धान में तो ज़्यादा ही होता है। तो आज के दिन में फॉल्स स्मट एक नंबर वन बीमारी हो गई है। पहले हम लोग की रिकमेंडेशन थी कि 1 ml पर लीटर जो टिल्ट है प्रोपिकोनाजोल उसका 2 बार स्प्रे करें, एक तो जब वो गाभा में होता है और उसके फिर 15 दिन बाद, लेकिन जब मैं गया दुकान में तो हमारे गोरखपुर में एक बड़ी अच्छी दुकान है और त्रिपाठी जी काफ़ी होशियार आदमी हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब जो 1 ml का रिकमेंडेशन था वो काम नहीं कर रहा है, और 1 ml के बाद कम से कम जो है 2.5 ml या 3 ml किसान लोग प्रयोग कर रहे हैं तब जा करके वो कंट्रोल हो रहा है। तो पहली चीज़ ये है कि जो रिकमेंडेशन है वो हमने फिर चेंज किया, हमारे खेत में चूंकि हम सीड प्रोडक्शन करते हैं तो हम कम से कम 2.5 ml इस साल हमने किया और काफ़ी कंट्रोल हुआ, फिर भी क्योंकि क्या होता है कि पूरे वायुमंडल में उसके स्पोर तैरते रहते हैं, यहाँ तक कि लोगों ने बताया कि जो हमारा पौधा है या जो वीड है उस पर भी आ जाता है, गिर जाता है, और जब फ्लावरिंग ओपन होता है तो उसमें फिर संक्रमण बढ़ जाता है। तो हमारे त्रिपाठी जी ने बड़ी अच्छी बात बताई कि एक तो जो गाभे में स्टेज होती है जो बूट लीफ स्टेज है उस समय अवश्य छिड़काव करें और थोड़ा डोज बढ़ाया जाए, अभी जो पहले 1 ml पर लीटर की रिकमेंडेशन थी उसको अभी 2.5 या 3 ml तक ले जाएं। दूसरा जो स्प्रेइंग करते हैं उसके 15 दिन बाद जिसमें कि जो ग्रेन डिस्कलरेशन ज़्यादा होता है जो हमारी फंगल डिजीज हैं वो ज़्यादा इन्फेक्ट करती हैं, तो उसके लिए जो है 1 ml पर लीटर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन जो पहला जो डोज है उसको थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है। दूसरा जो मेन समस्या है वो ब्राउन प्लांट हॉपर का है, और ब्राउन प्लांट हॉपर जो एक स्वर्णा वैरायटी है MTU 7029, अभी वो करीब 5-6 million हेक्टेयर में पूरे इंडिया में ग्रो होती है, बांग्लादेश में भी नेपाल में भी ग्रो होती है, वो वैरायटी हर चीज के लिए ससेप्टेबल है, उसमें ब्लास्ट भी लगता है, बैक्टीरियल ब्लाइट भी लगता है और BPH लगता है। अभी 2-3 साल पहले जो है उड़ीसा राज्य में जो है BPH के नाते इतना ज़्यादा डैमेज हुआ किसानों के खेत में कि उन लोगों ने 12 किसानों ने तो आत्महत्या कर ली, और किसी भी बीमारी में या कीड़े में आज तक नहीं देखा गया कि किसान ने आत्महत्या की हो, लेकिन जब वो खेत देखने गया तो उसने देखा कि हमारा पूरा का पूरा खेत जो है वो नष्ट हो गया। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप रेगुलर खेत में विजिट करें कम से कम 1 या 2, कभी कभी तो जब आर्मी वर्म का अटैक होता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा यदि आप 2 दिन खेत में नहीं गए और वो पूरा आर्मी वर्म जो है बालियां काट करके गिरा देता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि किसान कम से कम एक बार खेत का चक्कर जरूर लगावे और देखे कि क्या समस्या हो रही है, नहीं तो आर्मी वर्म यदि आ जाता है तो पूरा का पूरा हमारी बालियां नष्ट कर देता है। और फॉल्स स्मट भी हमने देखा है कि दवा पहले से खरीद करके रख लें, अब हम इंतजार करेंगे कि हमारे में बूट आ गया और दुकान पर जाएं फिर ले हमें,
तो हम ये कहेंगे कि पहले से ही खरीद के रख लें। और ब्राउन प्लांट हॉपर, जो कि इसके बारे में भी उन्होंने बताया कि बहुत सारे केमिकल्स हैं, और स्वर्णा वेराइटी जो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है और जो किसानों ने आत्महत्या की, तो उसके लिए भी मतलब दवा का प्रयोग करें। और सबसे बड़ा तो ये है कि वो जो रेजिस्टेंट वेराइटी हैं, हमने वहाँ कहा भी कि जब तक रेजिस्टेंट वेराइटी स्वर्णा में उन्होंने बैक्टीरियल लीप लाइट और समर्जेंट टॉलरेंस ड्राउट का जीन तो डाल दिया है, लेकिन उसमें अभी ब्राउन प्लांट हॉपर का जीन नहीं डाला। जो हम लोग जीन पिरामिडिंग करते हैं, धीरे धीरे एक एक जीन उसमें डालते रहते हैं, तो उस पर काम चल रहा है। लेकिन क्योंकि स्वर्णा में एक ऐसी खासियत है कि ड्राउट भी बर्दाश्त करती है और उसका पत्ता हरा होता है, तो वो कम से कम 15 क्विंटल 16 क्विंटल प्रति एकड़ तो उपज दे ही देती है। आप खाद भी कम देंगे तो भी उसकी हरी पत्तियां होने के नाते किसान देखता है कि इसमें तो नत्रजन की कमी नहीं है, और नहीं देता है तो भी उसकी यील्ड हो जाती है। तो एक बड़ी, हम लोग कहते हैं कि प्लांट ब्रीडिंग में इंडिविजुअल होमोस्टेसिस, मतलब कि उसमें इतनी क्षमता है कि वो वैरायटी जो है बहुत अच्छी पैदावार देती है। और दूर से आप देख करके बता देंगे कि ये स्वर्णा वैरायटी है, क्योंकि उसकी पत्तियां हरी होती हैं। तो उसमें एक बीपीएच को कंट्रोल करने के लिए किसान क्या होता है कि वो नीचे देखता नहीं है, और देखता नहीं है, और जब पूरा वो हॉपर बर्न हो जाता है बीच में पैच में, तब जा करके उसको पता चलता है कि ये ब्राउन प्लांट। तो ऐसी वैरायटी जिसमें कि पता हो, जैसे नॉर्थ इंडिया में जब हम बासमती ग्रो करते हैं तो पहले बकानी आती है, कई साल में तो ब्राउन प्लांट, ये व्हाइट ब्रैक प्लांट हॉपर आ गया, उसके बाद ब्लास्ट आता है। तो जब हमको पता है कि ये वैरायटी में ये सब प्रॉब्लम आती है, बकानी है, तो उसके लिए सीड ट्रीटमेंट है, फिर उसके बाद सीडलिंग ट्रीटमेंट है, तो वो करें। उसके बाद जो है व्हाइट ब्लैक बैक प्लांट हॉपर है, उसके लिए भी इंसेक्टिसाइड यूज करें। हालांकि ब्लास्ट का जीन तो लोगों ने डाल दिया है, बैक्टीरियल ब्लाइट का जीन डाल दिया है, लेकिन पैथोजन भी वैरी करता रहता है, और उसको मॉनिटर करें। जो ट्राईसाइक्लाजोल है वो तो बैन है, और कोशिश ये करें कि दूसरी जो फंजीसाइड, सर काइंडली अनम्यूट योर सेल्फ प्लीज। हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही सिंह सर। एक मिनट जी, यहाँ तो अनम्यूट है। आ गई सर, आ गई, ठीक है। हाँ, तो मैं ही कह रहा था कि जो हमारा बासमती है उसका एक्सपोर्ट भी जो है अफेक्टेड हो जाता है, तो ट्राईसाइक्लाजोल जो है कि उसमें पाया गया है कि जी सर आपकी आवाज चली जा रही है सर बार बार। जी सर हाँ, से हाँ, हाँ, आ रही है। हाँ जी, हाँ जी, जी सर। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि हमारा जो बासमती है वो बड़ा, मतलब कि स्टेम बोरर भी खूब लगता है, ब्लास्ट लगता है, बैक्टीरियल ब्लाइट लगती है, WBPH लगता है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, बकानी लगती है। कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है सर, नेटवर्क का कुछ इश्यू आ रहा है। माइक तो ऑन है सर, नहीं हो जा रहा है, जी जी सर। कुछ हाँ, माइक को लेके सर समस्या है, आपकी आवाज नहीं आ पा रही हम तक। हाँ, जी
अब आ रही है? हाँ जी सर। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो नई समस्याएं हैं, पैथोलॉजिस्ट और ब्रीडर मिल करके हमेशा जो रेजिस्टेंट वैरायटी है वो पैथोजन भी जो है म्यूटेशन करके जो है अपने को सरवाइव करता है, तो जो रेजिस्टेंट वैरायटी है उसको उगावें। एक गाल में समस्या है पूरे देश में, इसमें कि 6 बायोटाइप हैं और ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो ज्यादा है, लेकिन हमारे प्लांट ब्रीडर राइस ब्रीडर्स ने इसको रेजिस्टेंट वैरायटी डेवलप करके और जो बायोटाइप फिर आवाज सर चली गई। जी सर फिर आवाज चली गई सर, कुछ नेटवर्क का इशू है या हो सकता है कि इंटरनेट की कनेक्टिविटी। जी सर चलिए, बहुत अच्छी बात, समय भी ज्यादा हो रहा है और जो है सर की बात पूरी नहीं हो पाई शायद सर की कनेक्टिविटी की वजह से। मैं आज की जो है वेबिनार की समरी को जो है प्रेजेंट करता हूं आप लोगों के सामने। आज का वेबिनार में कुल जो है 85 के लगभग किसान जो है किसान एवं वैज्ञानिक शामिल हुए, जिसमें जो है 10 से ज्यादा राज्यों का प्रतिनिधित्व मिला जिसको मैं देख पाया, जिसमें से मध्य प्रदेश के सर्वाधिक किसान, इसके बाद उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, बिहार के साथ साथ जम्मू से भी हमारे किसानों के प्रतिनिधि जो है मौजूद रहे और रोहित व्यास जी हमारे कर्नाटका से मौजूद रहे। तो इस तरह जो है 10 राज्यों का प्रतिनिधित्व जो है देखने में मिला। इसके अलावा जो है बहुत ही सार्थक और सारगर्भित जानकारी आज के हमारे जो मुख्य वक्ता थे डॉक्टर एस के सिंह साहब के माध्यम से हमारे सभी किसानों को प्राप्त हुई। मैं उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी सर का स्नेह और मार्गदर्शन बलराम संदेश को मिलता रहेगा और साथ ही साथ आज के हमारे जो एक्सपर्ट थे आदरणीय बीएन सिंह साहब ने अपना 2 घंटे से ज्यादा का समय, बहुमूल्य समय हमारे आज के वेबिनार में और दिया। और निरंतर धान की ये सीरीज चल रही जिसमें 4 वेबिनार आज के को जोड़ के संपन्न हो चुके हैं। हमारी कोशिश रही कि इन सभी वेबिनार के माध्यम से धान के विभिन्न जो है, जैसे डॉक्टर सत्यपाल सिंह जो छत्तीसगढ़ में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बुवाई की विभिन्न विधियों के माध्यम से शुरुआत की और इसके बाद डॉक्टर एस के सिंह साहब जो वैज्ञानिक हैं पादप प्रजनन एवं अनुवांशिकी में जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में, उन्होंने धान की उन्नत प्रजातियों पर चर्चा करी। साथ ही साथ ग्लोबल जो रिसर्च का सिनेरियो है उस पर भी प्रकाश डाला और आज धान का इंटीग्रेटेड इंसेक्ट पेस्ट मैनेजमेंट पे आज के वक्ता हमारे आदरणीय एस के सिंह साहब ने दिया। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ, साथ ही साथ धन्यवाद करता हूँ हमारे विश्वविद्यालय के माननीय प्रमंडल सदस्य डॉक्टर ब्रजेश अर्जरिया जी का, साथ ही एवं डॉक्टर एवं हमारे जो है माननीय प्रमंडल सदस्य आदरणीय अश्विनी सिंह चौहान जी का, कि जिन्होंने अपना बहुमूल्य समय आज जो है इस वेबिनार को दिया। इसके अलावा विश्वविद्यालय के विभिन्न वैज्ञानिक गण,
जिनमें डॉक्टर एके जैन साहब, डॉक्टर राकेश, डॉक्टर दीपा, डॉक्टर सत्यपाल सिंह जी के अलावा अन्य डॉक्टर अखिलेश कुमार, आप सभी गणमान्य लोग ने भी आज के वेबिनार का लाभ लिया। आदरणीय दशरथ जी भी हमारे साथ मौजूद है, आदरणीय ब्रजेश तिवारी जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, और साथ ही साथ आरपी संधु साहब, सुखविंदर सिंह जी, श्री शेषमणि कुरुवंशी जी, मैं सभी का साधुवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि भविष्य में भी आप सबका स्नेह और मार्गदर्शन मिलता रहेगा। हमारे जो प्रमुख किसान आदरणीय प्रकाश माली पानी जी का भी मैं आभार प्रकट करता हूँ, जिन सब लोगों के स्नेह एवं मार्गदर्शन से हम वेबिनार की इस जो सीरीज में 44वां वेबिनार सफलतापूर्वक संपन्न कर चुके हैं। मैं आप सभी का जो है हृदय की गहराइयों से टीम बलराम की ओर से जो है हार्दिक धन्यवाद करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आगामी आने वाले समय में भी आप लोगों का स्नेह एवं मार्गदर्शन मिलता रहेगा। इन्हीं सब बातों के साथ मैं आपसे आज का वेबिनार को संपन्न कराने की अनुमति मांगू चाहूंगा। आप सभी का धन्यवाद, स्नेह एवं आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। जय बलराम। जय बलराम। शुभरात्रि। स्टे सेफ एंड हेल्दी।